सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू सर। एक महीने बाद हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि ये जो वीडियो है ये जनवरी मंथ का टोटल करंट अफेयर रहने वाला है, तो इसलिए हैप्पी न्यू ईयर। थोड़ा सा आप लोगों को पता है कि ये जो वीडियो रहती है एक महीना बाद में आती है, यानी कि जैसे फरवरी मंथ की जो वीडियो आएगी वो फरवरी के कंप्लीट होने के बाद में आएगी। तो हमारा न्यू ईयर आज का इस वीडियो से स्टार्ट होता है, ठीक है? हमारा न्यू ईयर जो है वो एक महीने देरी से चलता है, ओके? तो इसलिए हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर वीडियो होती है ये आप लोग को हर एक एग्जाम में फायदा पहुंचाती है। जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर पूछा जाता है उस एग्जाम में ये वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। इसके अंदर में पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, प्लेस इन न्यूज, इंपोर्टेंट इंडेक्स, यानी कि जो भी इंपोर्टेंट न्यूज बन सकती है पूरे साल से, सॉरी पूरे महीने से, वो सारी चीजें इस सिंगल वीडियो के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो जो भी आज की डेट में टिकटॉक या फिर रील्स को देखकर अपनी पढ़ाई करते हैं वो इस वीडियो को अभी बंद कर देना, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है जिनके अंदर में पेशेंस है, क्योंकि 1.5 से लेके 2 घंटे के बीच में ये वीडियो आप लोगों की रहती है और इसमें बहुत सारा कंटेंट होता है, यानी कि एक ही जगह पर गागर में सागर भरने वाली बात हो जाती है। तो तसल्ली में आप लोग चीजों को एंजॉय करते हुए आगे चलिएगा और अपने साथ में बेसिकली ऐसा माहौल रखिएगा जैसे आप लोग एक मूवी नहीं देखते हैं, मूवी चलती रहती है और आप लोग कब में देख कर निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता है, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा अगर चीजों को रटने की कोशिश नहीं करोगे। मतलब क्या है बोलने का? मतलब यह कि चीजों को समझने की कोशिश करनी है, कोई चीज है तो क्यों है और कोई चीज क्यों नहीं है, तो इसके पीछे रीजन अगर पता रहेगा तो आप लोग उसको याद रख पाओगे। तो आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर किसी भी एग्जाम की आप लोग सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीएससी हो गया या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गए सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, या फिर आप लोग का पीएसआईआर, या फिर आप लोग फाउंडेशन कोर्स चाहते हैं, या फिर आईबीए, सब तो कोर्स हालांकि चले जा चुके हैं, एक बेसिक कोर्स भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, सीडीएस का भी कोर्स है और भी बहुत सारा कुछ है यहां पर, और आने वाले टाइम पे अभी फ्री क्लासेस में आप लोगों को बैंकिंग जैसी चीजें भी बहुत सारी यहां पर मिल रही हैं। तो आने वाले टाइम में बैंकिंग, सीडीएस, उन सब के लिए भी आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रही हैं चीजें। बाकी अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज, और सबसे बेस्ट फाउंडेशन कोर्स है आप लोगों के लिए एनसीईआरटी, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री में प्रैक्टिस क्विज भी है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studylovervir.in आप लोग वेबसाइट भी यहां पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गई इन्फॉर्मेशन। अब कंप्लीट वीडियो डिस्कस करूंगा बिना कोई डिस्टर्बेंस के, सारी की सारी चीजें डिस्कस करते हुए चलेंगे, तो वीडियो में इसलिए एंड तक बने रहिएगा। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ये वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, ठीक है? दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों से पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज या फिर गवर्नेंस से रिलेटेड न्यूज, गवर्नेंस की न्यूज कौन सी होती है, जैसे स्कीम्स वगैरह होती हैं, तो वो सारी चीजें मैं आप लोग कवर करूंगा, और स्कीम्स वगैरह जो होती हैं वो हर एक पेपर में आप लोगों से पूछी जाती हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज कवर होती रहेगी और आप लोगों को मजा आता रहेगा, रटना नहीं है, हर एक चीज के पीछे रीजन बताता हुआ चलूंगा, तो इसलिए ध्यान से सुनोगे तो आप लोगों को सुनकर भी मजा आएगा, ठीक है? बहुत ही प्यारी सी एक स्कीम बोल सकते हैं, एक प्रोग्राम बोल सकते हैं, जिसको बोला जाता है नो इंडिया प्रोग्राम। नो इंडिया प्रोग्राम का अगर नाम ही आप लोग देख लोगे, इसका मतलब क्या है? भारत के बारे में जानो। और भारत के बारे में किसको बताया जाएगा? जो हमारे देश से कोई बाहर के लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए विदेश से कोई इंडिया में घूमने आता है, तो उनको भारत के बारे में बताया जाएगा। तो इसीलिए ये जो प्रोग्राम है ये किससे का प्रोग्राम है, यहां पर ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का। कौन है आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर, ये आप लोग बताइए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंडियन ओरिजिन के जो यूथ जिनकी एज यानी कि उम्र 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में है, अगर वो इंडिया के अंदर में आकर चीजों को विजिट करना चाहते हैं तो यहां पर उनके लिए यहां पर ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, 3 वीक का ओरिएंटेशन प्रोग्राम। और ये आज का नहीं है, ये है 2003 में इसको स्टार्ट किया गया था, और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, जो रिक्वायरमेंट है पार्टिसिपेशन के लिए, वो है ग्रेजुएशन, कि आप लोगों की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है? मतलब क्या हो गया, मतलब कैसे है ये प्रोग्राम आखिर क्यों लॉन्च किया गया? आप लोग सोच के देखो, कोई ऐसा इंडियन मूल का इंसान कोई विदेशों में रहता है और उसको भारत के बारे में क्यों बताया जाएगा? कि विदेशों में रहता है तो यार हो सकता है कल वो चलकर किसी अच्छी पोस्ट पर जाए, इंसान जो है जिंदगी में कुछ अच्छा अचीव करे, तो आगे चलकर अपने देश के बारे में अपनी कल्चर को फैलाए, अपने देश में इन्वेस्टमेंट लेकर आए और अपने देश में डेवलपमेंट का काम करें, तो कहीं ना कहीं एक जो कनेक्शन होता है वो तो रहता ही है। जिंदगी में आप लोग कभी भी किसी भी ओहदे पे क्यों ना चले जाओ, जहां से आप लोग आते हो, अपना गांव हो गया, अपना शहर हो गया और अपने मां बाप हो गए, उनके साथ में आप लोग का कनेक्शन कभी नहीं छूटता है, तो उसी कनेक्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा, ठीक है? अब क्या क्या तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि नो इंडिया प्रोग्राम क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री का है, किस एज ग्रुप के लिए है और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये अभी रिसेंटली फिर से न्यूज में आया था,
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है इसका फायदा उठाया जा सके और ये टाइम टू टाइम न्यूज में आप लोगों का आगे भी आता रहेगा। ठीक है, तो नो इंडिया प्रोग्राम भारत के बारे में जानू। ओके, ये पर्टिकुलर आर्टिकल डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। अभी मेरा एक फ्रेंड है, उसकी जो है बेसिकली बेबी ने जन्म लिया उनके घर पे, जो गर्ल बेबी होती है, इनके गुड़िया हुई उनके घर में पैदा। तो जैसे ही गुड़िया पैदा होती है तो मतलब ऐसे ही कोई 10-12 दिन के बाद मुझे फोन करता है और बोलता है कि यार बड़ी स्कीम वगैरह पढ़ाते रहते हो, ठीक है कोई स्कीम बताओ बच्चों के लिए भी है क्या, ताकि बच्चों का कोई ऐसा डिपॉजिट वगैरह स्टार्ट कर दिया जाए ताकि यहां पर आगे चलकर बच्ची को फायदा हो जाए, अगर उसको पढ़ना है, अपनी जिंदगी संवारनी है। तो पता चला नहीं माँ बाप को कुछ हो जाए अगर जिंदगी में, तो एटलीस्ट बच्ची अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मैंने कहा वाह यार बड़े प्रोग्रेसिव थॉट के आदमी हो। मैंने कहा बिल्कुल बताएंगे। तो ये स्कीम मैंने बताई थी उसको, ये सुकन्या समृद्धि योजना। ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। अगर इसके अंदर में ओनली 150 रुपए से आप लोग, सॉरी 250 रुपए से आप लोग अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, और 250 रुपए से अपना अकाउंट खुलवा के उस बच्ची के एक साल में 1.5 लाख तक का पैसे जो है उस अकाउंट में आप लोग डाल सकते हो। इसके बहुत सारे फायदे हैं, मैं आप लोगों को बताऊं। ये स्कीम का बेसिक पर्पज क्या था, हमारे देश में जो बच्चियां थी उनकी एक तो चाइल्ड मैरिज की जा रही थी, इसी के साथ में उस बच्ची को उसकी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं करने दी जा रही थी, और आगे चलकर अगर बच्ची जो है चाइल्ड मैरिज कर दी और हरकतें हो गई तो उनको तो रोका ही रोका जाएगा, एटलीस्ट वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। ये भी चीजें यहां पर स्टार्ट की गई। तो ये पर्टिकुलर स्कीम जो है वो इसीलिए सामने निकाल कर लेकर आएगी थी। ठीक है, ये स्कीम क्यों लॉन्च की गई, क्योंकि हमारे देश के अंदर आप लोगों को पता होगा जो सेक्स रेशियो है मेल और फीमेल का, दोस्तों वो काफी गड़बड़ाया हुआ है। तो सुकन्या समृद्धि योजना उस सेक्स रेशियो को एक सही डायरेक्शन देने के लिए लॉन्च की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कंपेन लॉन्च किया गया था उसके अंदर में ये स्कीम लेकर यहां पर आई गई। ये स्कीम किसके लिए है याद रखिएगा, ये भेदभाव करने वाली स्कीम है, यानी कि लड़कों के लिए स्कीम नहीं है, लड़कियों के लिए। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, कन्या के लिए ही की स्कीम है यहां पर, सुकन्या ही क्यों रखा गया यहां पर, क्योंकि लड़कों को तो लोग अपने जमीन जायदाद बेचकर भी पढ़ा लेते हैं। क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि एक इंसान ने अपनी लड़की को पढ़ा लिया है अपनी जमीन जायदाद बेचकर, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो इसलिए इसके बारे में आप लोग यहां पर याद रखिएगा। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये ओनली लड़कियों के लिए है, तो यहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है इस स्कीम में। ठीक है, लड़कियों के लिए ये स्कीम नहीं है, क्योंकि समाज का जो घिनौना चेहरा है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान समाज है, उसमें लड़कियों को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम है। इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, 250 रुपए से अकाउंट खोल सकते हो मिनिमम, और मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप लोग इसके अंदर में डाल सकते हो। ठीक है सर, अभी बच्ची पैदा हुई थी हम लोग तो खुलाना भूलवा गए, तो कब तक इसके लिए बच्ची के लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं, 10 साल तक की बच्ची का आप लोग अकाउंट इसके अंदर में खुलवा सकते हो, यानी कि गुड़िया की जो एज है वो 10 साल के नीचे होनी चाहिए अगर आप लोग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। इसमें जब अकाउंट खुलवाना चाहते हैं मिनिमम 250 रुपए आप लोगों को डालने पड़ेंगे और मैक्सिमम 1.5 लाख तक डाल सकते हैं। आप लोग एक साथ भी डिपॉजिट कर सकते हैं और टाइम टू टाइम भी आप लोग इसमें डिपॉजिट डाल सकते हैं। इसी के साथ में अकाउंट जो है वो कब तक चलेगा, बेसिकली जब तक कि लड़की की एज जो है वो 21 साल नहीं हो जाती। देखा ना कि 18 साल से पहले हम लोग शादी कर देते थे या फिर 14-15 साल की उम्र में भी शादी कर देते थे, तो ये स्कीम ये इंश्योर कर रही है कि 18 साल की नहीं यहां पर 21 साल तक ही अकाउंट होना चाहिए। पर फिर भी किसी ने मान लीजिए ये बोला कि हमारे देश में तो लड़कियों की शादी की एज जो है वो 18 साल है, तो फिर क्या करें। तो उसके लिए भी इन्होंने एक प्रोविजन किया है कि 18 साल तक यहां पर उसके अंदर में जो भी बैलेंस होगा उसका 50% विड्रॉ किया जा सकता है लड़की के द्वारा 18 साल की एज होने के साथ में। आप लोग देश के अंदर में कोई भी, आप लोग अगर कहीं पर भी डिपॉजिट करते हो तो कोई भी अकाउंट उठा लेना, 8.4% का इंटरेस्ट आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। इस स्कीम के अंदर में 8.4% का इंटरेस्ट मिलता है, और अभी इसको 20 बेसिस पॉइंट से और बढ़ा दिया गया है। मतलब कहने का है कि अब इसको स्कीम को और ज्यादा ल्यूक्रेटिव बना दिया गया है, तो ये इसलिए और ज्यादा न्यूज में यहां पर रह गई है। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट जो है मल्टीपल आप लोग दे सकते हैं इन द 100 के तौर पर, 21 साल की उम्र में निकाला जाएगा, और NRI आर नॉट एलिजिबल टू ओपन दीज अकाउंट। उनको क्या जरूरत है, वो इतने अमीर है, अगर वो भी इसमें पता चला कि हम तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इंडिया के अंदर में, इस स्कीम में आके डिपॉजिट कर देते हैं, तो यहां पर उनको भी अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, तो इसलिए उसके लिए अलाउ नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, इसके अंदर में जो अकाउंट आप लोगों ने खुलवा लिया है उस अकाउंट को आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पोस्ट ऑफिस के अंदर में खुलवा लिया है तो पोस्ट ऑफिस से उसको बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं और बैंक से उसको पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आप लोगों को यहां पर याद रखना है। तो स्कीम के बारे में बता दिया, या फिर कल को कोई आंसर राइटिंग आप लोग लिख रहे हो
तो इस स्कीम के बारे में मेंशन कर सकते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट इस टॉपिक के साथ में मैं आप लोगों से करना चाहूंगा, अगर कोई भी आसपास में कोई बच्ची जन्म लेती है उसके पेरेंट्स को इस स्कीम के बारे में आप लोग जरूर बताना। ये हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि उस बच्ची का फ्यूचर सेव हो जाएगा। कल को चलकर पता नहीं कैसी कंडीशन, क्या माहौल बनता है, एटलीस्ट उसकी एजुकेशन कंप्लीट होगी और वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी। पैसे की वजह से उसकी कोई पढ़ाई वगैरह नहीं रोकी जाएगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी, यस या फिर नो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहां पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड। अभी आप लोगों ने देखा रिसेंटली अभी कुछ दिक्कत हुई थी मालदीव के साथ में, तो हम लोग अपने देश में टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए अलग अलग काम हम लोग कर रहे हैं। तो उड़ीसा के अंदर में यहां पर डिब्रूगढ़ में एक किंदा करके एक पर्टिकुलर लोकेशन है, उसको हमारे देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसकी एक स्कीम है जिसको बोलते हैं स्वदेश दर्शन स्कीम, उसके अंदर में इसको इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, तो डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इसी के साथ में यहां पर किंदा विलेज जो है ये इसके अंदर में इंक्लूड किया गया है। इसका फायदा क्या होता है, जब हम लोग स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर में किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लाते हैं, किसी पर्टिकुलर एक मतलब किसी पर्टिकुलर लोकेशन को इंक्लूड करते हैं, तो उसको हम लोग टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना यानी कि ढांचागत विकास करना स्टार्ट कर देते हैं। और अच्छी बात क्या होती है, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है दोस्तों, इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे हमारे देश में अगर टूरिज्म बढ़ता है तो विदेशों तक का यहां पर आप लोगों को अपने देश की साख देखने को मिलेगी। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यानी कि इसके अंदर में इंक्लूड होने से स्टेट को बहुत फायदे होंगे, उसको एक्स्ट्रा रिवेन्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा उस स्कीम के तहत में। तो यहां पर थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट यहां पर डेवलप किए जाते हैं, जैसे बुद्धिस्ट हो गया, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने देखो अगर राम सर्किट हो गया, इसी के साथ में ट्राइबल सर्किट हो गया, यानी कि अलग अलग एरिया पर अलग अलग तरीके से इंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश की जाती है। और ये स्कीम जो है लॉन्च की गई थी सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पर इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री के ऊपर में आप लोग स्टार लगा लेना। क्यों बोल रहा हूं स्टार लगा लेना, क्योंकि इंप्लीमेंट जो किया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ में मिलकर, जो यहां पर कल्चर है ये मिलकर काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ताकि चीजों को अच्छे से लेकर चला जा सके। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर इसी के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर काम करते हैं इंप्लीमेंट करने के लिए, ताकि टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। सर टूरिज्म क्यों बढ़ाना है, अभी बताया था ना मालदीव की खस्ता हालत कैसे होती है अगर टूरिस्ट वहां पर नहीं जाते हैं। कोविड-19 में नहीं गए, मालदीव के हाथ में कटोरा आ गया। टूरिज्म बहुत बड़ा रीजन है यहां पर क्या, जॉब क्रिएट करने का, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और इसी के साथ में सबसे बड़ी बात क्या होती है, किसी एरिया का पोटेंशियल हम लोग रियलाइज कर पाते हैं। मतलब एक बच्चा जो था वो था तैयारी कर रहा था किसी पर्टिकुलर बहुत ही छोटे एग्जाम की, ठीक है, पर लेकिन आगे चलकर उसको लगा कि यार उसके पड़ोस में से एक बंदा था जो बचपन में उसके साथ पढ़ा करता था, वो चलकर आईएएस ऑफिसर बन गया। उसको लगा यार जब ये बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूं, उसने पढ़ाई स्टार्ट करी और उसने भी आगे चलकर यूपीएससी क्लियर कर दिया। यानी कि आप लोग अपने आप को आंकते हो किसी पर्टिकुलर के रेफरेंस में, जब पता चलता है कि वो चीज डेवलप हो गई। अब सोचो सिंगापुर एक बहुत ही शानदार डेवलप देश है, अब सिंगापुर जैसे हजारों सिंगापुर हमारे देश के कोस्टल एरिया में से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी खुद की कोस्टल बाउंड्री जो है ना टोटल अगर आप लोग मिला लोगे वो 7,500 किलोमीटर दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उसमें दुनिया भर के कोस्टल एरिया हम लोग निकालकर यहां पर रख सकते हैं। तो इसलिए इसके बारे में आप लोग ये बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखेगा, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो दूर करेंगे। तो यहां पर अभी इसके अंदर में इंक्लूड किया गया इसलिए ये है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, बुद्धिस्ट, हिमालयन, कोस्टल, नॉर्थन ईस्टर्न, अलग अलग सर्किट डेवलप किए जा रहे हैं और इसके चलते यहां पर आने वाले टाइम में और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि ढांचागत विकास होगा हमारे देश में। तो ये इसके लिए भी एक अप्रिशिएट करने वाली स्कीम है। दोस्तों मैंने आप लोगों से कोस्टल एरिया के बारे में जैसे बात की, तो यहां पर आप लोगों से बात कर रहा हूं रिपोर्ट फिश डिजीज, यानी कि अगर कोई भी मछली है अगर उसको कोई बीमारी हो जाती है तो मछली नॉर्मली कोस्टल एरिया से पकड़ी जाती है और पूरे देश के अंदर में ले जाकर उनको बेचा जाता है। तो अगर उनको कोई बीमारी हो जाती है तो इसका मतलब यह होगा कि देश के अंदर में हर एक लेवल पर वो बीमारी पहुंचती नजर आएगी। तो उससे पहले ही उसको क्यों ना मॉनिटर कर लिया जाए उस बीमारी को, तो उसके लिए रिपोर्ट फिश डिजीज एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। आप लोग इस मोबाइल को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, जैसे स्टडी लवर वीर का एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर चुके हो, इसी तरीके से इसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, यानी कि वहीं पर ही आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें क्या है, इसके अंदर में यहां पर आप लोगों को पता है हमारे देश की एक स्कीम लॉन्च की गई थी, मैंने पहले भी उसके बारे में पढ़ाया था, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएम मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य संपदा योजना। तो ये स्कीम के तहत में यहां पर इसको लॉन्च किया जा रहा है। इसकी फुल फॉर्म क्या है,
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, यानी कि जो मछली है उसको एक संपदा यानी कि धन की तरीके से हम लोग लेकर चल रहे हैं, जैसे हमारा रिवेन्यू होता है उसकी तरीके से हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं, एक तरीके से रिवेन्यू के तरीके से। तो उसके लिए यहां पर ये स्कीम है, ऑल जो फिशिंग फार्मिंग कम्युनिटी है उस तक ही एप्लीकेशन पहुंचाया जाएगा। अगर कोई भी बीमारी है तो इमीडिएटली उस डिजीज को आउटब्रेक होने से पहले पूरे देश के अंदर में यहां पर लेकर आ जाएगा, ताकि उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसमें फिश फार्मर जो है उनको काफी आसान तरीके से एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। पता चला मैं एक फिश फार्मर हूं, मेरी मछली जो है उसमें कोई बीमारी लग गई, अब सबसे पहले तो मुझे यही समझ में नहीं आएगा यार मैं कहां जाकर रिपोर्ट करूं। तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म हो गया उनके हाथ में कि वो इमीडिएटली वहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से कि अच्छा ये कौन सा इंस्टीट्यूट है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी, ये बताइए ये लोकेटेड कहां पर है, देखता हूं आप में से कौन इसके बारे में बताता है। ये मिलकर काम कर रहा है किसके साथ में, ये NSPAAD, NSPAAD क्या है यहां पर, इसको बोलते हैं नेशनल सर्विलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज। मतलब क्या हो गया, ध्यान से सुनिए, एक ऐसा सर्विलेंस प्रोग्राम, सर्विलेंस मतलब चीजों की देखरेख करना, तो एक ऐसा सर्विलेंस प्रोग्राम जिस प्रोग्राम से यहां पर बेसिकली अगर बीमारी लगती है कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि बीमारी लगती है तो उसका सर्विलेंस करने वाला ये प्रोग्राम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। और इस प्रोग्राम से यहां पर मिलकर काम करेंगे तो इससे क्या रहेगा, इससे ये रहेगा कल को चलकर कोई भी बीमारी अगर फैल रही है तो यहां पर इसके साथ में मिलकर यहां पर उसका सोल्यूशन यहां पर निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसमें मिलकर यहां पर ये काम कर रहे हैं। और यहां पर ये जो प्रोजेक्ट है इसको जो लीड करने वाले जो इंस्टीट्यूट है ये है ICAR। ठीक है, ICAR क्या है बताइए, देखता हूं आप में से कौन बताता है। इसके सामने जो नाम लिखा हुआ है, क्योंकि ICAR तो बहुत ही फेमस है, इसके सामने लिखा हुआ है NBFGR, इसको क्या बोलते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी कि किसी भी फिश के अंदर में अगर कोई बीमारी निकल कर आती है तो वो बीमारी कहां से निकल कर आती है, तो उसके जेनेटिक्स के वो बीमारी निकल कर आ सकती है, तो इसलिए उसको समझने की कोशिश की जाती है दोनों तरीके से। तो ये चीज आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। ठीक है, मतलब समझ में आ गया मैंने आप लोगों क्या बोला, तो इसको लेकर कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। तो जो भी मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूं, अब यहां पर कितनी सारी चीजें आप लोगों ने सीख ली एक ही के साथ में। ठीक है, ICAR की फुल फॉर्म नहीं पता चल रहा क्या अब तक, अरे कितनी बार तो बता चुका हूं इसको, बेसिकली याद रखना इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, तो इसलिए कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और NBFGR क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया नेशनल ब्यूरो ऑफ फिशरी जेनेटिक रिसोर्सेज, तो इसके बारे में बात की जाती है। और बाकी मैंने NSPAD के बारे में आप लोगों को बता दिया, नेशनल सर्विलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल, और उसके साथ में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी कहां पर है ये आप लोगों को बताना है। देखता हूं आप में से कौन कौन यहां पर इसके बारे में बता पाता है, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है कई बार क्या करते हैं एग्जाम के अंदर में आप लोगों के लिए इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो डालकर आप लोगों से पूछ लेते हैं कि उसका हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग यहां पर इसके बारे में हल्का सा अगर याद रखोगे तो काफी फायदा देखने को मिलेगा। और किसी कोस्टल एरिया में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर नजर आएगा, ये मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग देखता हूं आप में से कौन बता पाता है। ठीक है, लोकेशन बता लोकेशन का नाम लिख देना, चलो स्टेट का नाम लिख देना। ठीक है, इतना तो बता देना। तो आप लोगों के लिए मत्स्य संपदा योजना की भी बात मैंने कर ली यहां पर, इस एप्लीकेशन के बारे में बात कर ली, और कौन मिलकर यहां पर काम कर रहा है इसके साथ में तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इसके चलते आप लोग यहां पर इसको हल्का सा आइडिया रखेगा, कल को चलकर अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताई देता हूं फिर आप लोगों को, एक स्कीम आप लोगों की और कवर हो जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में याद रखेगा, ये हमारे देश के अंदर में लॉन्च की गई थी ताकि आत्मनिर्भर भारत जो है उसको हम लोग अच्छे से लेकर चल सकें। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को और अच्छे लेवल पर चलने की कोशिश की गई थी, और इसी स्कीम के अंदर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था रेगुलर वीडियो, अगर द हिंदू न्यूज़पेपर की आप लोग सुनते हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत में यहां पर ये चीज लेकर आप लोगों के लिए आई जाती है और इंप्लीमेंट की जाती है ये सेपरेट कॉम्पोनेंट के थ्रू। सेपरेट कॉम्पोनेंट यानी कि इसमें आप लोगों को दोनों तरीके की स्कीम इंक्लूडेड देखने को मिलेगी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी है और इसके अंदर में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है। तो यहां पर जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आती है वो तो पूरा सेंट्रल सेक्टर वहन करती है, या फिर जो दूसरे कंपोनेंट है जो इंप्लीमेंट करने वाली बात है उसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों मिलकर काम करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में। ठीक है, तो हमारे देश के अंदर में जब इतना बड़ा कोस्टल एरिया है तो यहां पर क्यों ना हम लोग इसको इनहेंस करें और अच्छे लेवल पर यहां पर इसको ले जाकर बेचें। तो बोला यह जा रहा है कि ये लगभग हमारे देश के अंदर में 2.8 या फिर टोटल मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं
3 करोड़ के करीब जो फार्मर हैं, ये आप लोगों को यहां पर इसके साथ में कनेक्ट होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, थर्ड लार्जेस्ट जो फिश प्रोडक्ट है, आप लोग सेकंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम लोग इंडिया को बोल सकते हैं दुनिया में, यानी कि हम लोग टॉप प्रोडक्शन की कैटेगरी में आते हैं, तो इसलिए आप लोग फिशरी सेक्टर को हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन बता दी। एक और छोटी सी एक बात आप लोगों को बोलूं, जब भी आप लोग एग्जाम पास में आते हैं ना, और आप लोग इस वीडियो को बेसिकली सोचते हो रिविजन करना है, तो आप लोग इसको कोशिश किया करो 1x या फिर 1.5x या फिर 2x पर सुन सकते हैं, ताकि फटाफट रिवीजन हो जाए। यानी कि रिवीजन के लिए भी आप लोग वीडियो जो है वो सुन सकते हो, क्योंकि बहुत ही कम समय में बहुत सारे टॉपिक कवर किए जाते हैं फटाफट, बिल्कुल बैकग्राउंड बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में, तो आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे जब एग्जाम में जाकर बैठोगे। ओके, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में जो बातें बोली है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पीपीटी में भी प्रोवाइड करा दी गई है। ठीक है दोस्तों, यहां पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के सामने यहां पर ये स्कीम है, जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। आप लोगों ने रिसेंटली अभी मेट्रो स्टेशन देखे हैं, हर एक सिटीज के अंदर में या फिर आप लोग बोल सकते हैं स्टेट के अंदर में आज की डेट में मेट्रो स्टेशन डेवलप किए जा रहे हैं। उसके आसपास में आप लोगों ने कई सारी दुकानें भी देखी होंगी मेट्रो स्टेशन के अंदर ही, तो ये है इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन करना उस पर्टिकुलर एरिया का, क्योंकि इतने सारे लोग मेट्रो में ट्रेवल कर सकते हैं, अगर कोई जरा सा कुछ भी खरीदेगा तो एक अच्छे लेवल का डेवलपमेंट हम लोग कर सकते हैं। ऐसी ही स्कीम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इसी पैटर्न में जैसे मेट्रो स्टेशन डेवलप किए गए हैं, हमारे देश में रेलवे स्टेशन को डेवलप करने की बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, और फरवरी 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, और इतने सारे स्टेशन यानी कि 1309 स्टेशन को कवर किया गया स्टार्टिंग में। और सबसे बड़ी बात पता है क्या थी, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को भी यहां पर सपोर्ट करने की कोशिश की गई। मान लीजिए आप लोग दिल्ली से आते हो, दिल्ली के अंदर में कोई फेमस चीज है, अब उस फेमस चीज को रेलवे स्टेशन पर ही एक पर्टिकुलर लोकेशन दे दी जाएगी ताकि कोई प्रोडक्ट अपना यहां पर बेच सके, तो कितने सारे लोग दिल्ली ट्रेवल करते होंगे वो सब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जान पाएंगे। उसी स्टेशन के ऊपर में जगह रहती है दुनिया भर की, वहां पर कोई रूफ प्लाजा बना दिया या कोई सिटी सेंटर टाइप का बना दिया ताकि वहीं पर ही लोग बैठकर अपना खा पी सके, इसेंशियल एमिनिटीज उनको वहीं पर ही मिलना स्टार्ट होगी, तो इससे क्या होगा, एक स्टेशन भी एक मॉल की तरीके से डेवलप हो जाएगा। तो ये करने की कोशिश की जा रही है, इससे फायदा क्या होगा, दुनिया भर का वहां पर इंप्लीमेंट जनरेट कर सकते हैं, अपने ही प्रोडक्ट को हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं काफी लार्ज स्केल पर, बाहर ले जाने की जरूरत नहीं अपने ही देश के अंदर में। इसके अंदर में उडुपी जो स्टेशन है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने रीडेवलपमेंट के लिए इसको इंक्लूड कर लिया है, जिसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया है। तो समझ में आ गया आप लोगों को, यानी कि एक स्टेशन को रीडेवलपमेंट किया जाएगा, इससे क्या रहेगा, इसेंशियल सारी चीजें वहां पर मिल जाएगी। सोच के देखो, आप लोगों की ट्रेन लेट होगी तो वहां पर प्रॉपर होटल की फैसिलिटी वहां पर डेवलप कर दी शानदार तरीके से, वहां पर प्रॉपर खाने पीने की फैसिलिटी डेवलप हो गई, क्योंकि अब तक रेलवे के ऊपर में प्रॉपर खाना सिस्टमेटिक वे में मिल नहीं पाता था, जिसको आप लोग बोलो कि हाँ हम लोग अच्छे से खा सकते हैं, तो इसकी वजह से चीजें देखने को मिलती थी। तो मॉडर्नाइज किया जा रहा है, जैसे नहीं दिल्ली में आप लोगों ने बस स्टैंड देखा होगा, उसको मॉडर्नाइज किया गया इंटरनेशनल फैसिलिटीज के बेस पर, तो मेट्रो स्टेशन की तर्ज पर यह पर्टिकुलर डेवलपमेंट किया जा रहा है। लोगों की एंट्री और एग्जिट को आसान बनाया जाएगा, एक प्रोडक्ट को बेचा जाएगा, बेटर पैसेंजर इंफॉर्मेशन, यानी कि लोग जो पड़े रहते हैं वहां पर उनको कई बार इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, उनकी विंडो के ऊपर भीड़ लगाए रहते हैं, वो ढंग से मिलेगी, लॉन्च की फैसिलिटीज के अंदर में रहेगी, बिजनेस मीटिंग अगर कोई करना चाहता है, मान लीजिए वो बोले कि यार मेट्रो स्टेशन पे तो रहती है फैसिलिटी, आगे चलकर अगर मेट्रो किसी को बिजनेस मीटिंग करनी है तो प्रॉपर हॉल मिल जाएगा उसको कि हाँ यार बिजनेस मीटिंग करो, अपने ही ट्रेन में आओ, वहीं से पकड़ो और फिर निकल लो, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उनका माहौल एक सुखद बन सके एक पर्टिकुलर रेलवे के अंदर में ट्रेवल कर, उसकी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही है यहां पर अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत में, है ना इंटरेस्टिंग। तो आने वाले टाइम में आशाएं बहुत हैं, इसलिए निराशा मत रखिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, कहीं ना कहीं अच्छी जगह स्टेब्लिश हो जाओगे या फिर कोई खुद का काम धंधा स्टार्ट कर लोगे, बस कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा अपनी जो चीजें कर रहे हो उसको अच्छे से लेकर चलो। ठीक है, तो ये आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकते हैं, स्टेशन जो है डेवलपमेंट ये अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसके तहत में यहां पर अच्छे अच्छे और भी यहां पर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हुए नजर आएंगे। रेलवे स्टेशन या फिर मेट्रो स्टेशन या फिर एयरपोर्ट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा आने वाले टाइम में, अगर इन स्कीम को सिस्टमेटिक वे में हम लोग इंप्लीमेंट करके चलते हैं तो। ठीक है ना दोस्तों, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर में मैं 2 टॉपिक आप लोगों के कवर करूंगा, एक तो करूंगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसको आप लोग FCI बोलते हो, और दूसरा करूंगा फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कि आप लोगों का नॉर्मली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देश में भुखमरी को हटाने का काम करता है। तो दोनों ही चीजें आप लोग यहां पर अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, और इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि कल को कुछ लिखने के लिए भी आता है एग्जाम में तो भी आप लोग यहां पर उसके साथ में कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिक चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनते हुए आप लोग चलिएगा, कोई भी डाउट आप लोगों को यहां पर इसके बारे में फिर देखने को नहीं मिलेगा।
सबसे पहले बात करते हैं, अभी यहां पर बात की जा रही है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वो एक ट्रस्टेड पार्टनर निकलकर सामने आया है जो फार्मर्स होते हैं और जो लोग होते हैं दोनों के लिए। मतलब क्या हो गया, एक किसान जो है वो अपने खेतों में फसल उगाता है, किसान ने फसल उगा ली, अब उसको मार्केट में कोई खरीदने वाला चाहिए तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उसको लेता हुआ नजर आता है और ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत में, जिसको आप लोग एमएसपी बोलते हो। अब ये क्यों खरीदते हैं और इसका कहां यूटिलाइजेशन करते हैं, जब किसानों से ये प्रोडक्ट एफसीआई के द्वारा खरीदा जाता है, ये ले जाकर इसको अपने गोडाउन में रखते हैं और फिर वहां से देश के अंदर में अलग अलग एरिया में इसको सेंड किया जाता है फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत में, जिसको लोगों को बहुत ही लो कॉस्ट पर यहां पर एक तरीके से हम एक खाना प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। तो यानी कि कोई भी इंसान जो है वो भूखा नहीं रहना चाहिए, हर एक इंसान के पेट में खाना जाना चाहिए, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर हमारी फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आता है। इसमें एक बात ध्यान रखना, ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम था इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों सरकार लेती है, कांग्रेस लेती है क्योंकि 2013 में उन्होंने ये कानून पास कराया था, पर लेकिन जैसे ही वो कानून पास करा के हटे 2014 में सरकार चेंज हो गई और बीजेपी जो है वो इसको इंप्लीमेंट करती है, तो दोनों ही अपने झंडे लेकर घूमते रहते हैं कि हमने इसको लॉन्च किया था, हमने इसको इंप्लीमेंट किया था, पर लेकिन भूल जाते हैं उन किसानों को जिन किसानों के खेतों में से ये खाना आता है और लोगों की थाली तक पहुंचता है। तो इसलिए कई बार बोलते हैं कि किसान भाई साहब हमारे बारे में भी सोच लिया करो, थोड़ा सा अपने ही अपने बारे में बातें करते रहते हो। तो फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है और टोटल देश की लगभग 67% पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर कानून के तहत में आती है। मतलब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत में खाना प्रोवाइड कराया जाता है और यह माना जाता है कि 60% तो गांव की पॉपुलेशन इसके अंदर में कवर होती है और लगभग 40% जो है वो शहरों वाली पॉपुलेशन इसके अंदर में कवर होती है, यानी कि रूरल और अर्बन दोनों को कवर किया जाता है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत में। तो ये एक फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी यानी कि खाने के साथ साथ में अफोर्डेबल खाने के साथ साथ में काफी कुछ यहां पर कवर प्रोवाइड कराती है। आप बोलोगे सर आपने बोला कि 60% शहरों वाले और 40% गांव वाले ये कवर होते हैं, हमने तो सुना था सर 75% गांव वाले कवर होते हैं और यहां पर 60% 50% के करीब शहर वाले होते हैं, ये चेंज कैसे हो गया? अभी इसको रिवाइज किया गया है क्योंकि लॉन्च की गई थी 2013 में, अभी रिसेंटली इसको रिवाइज किया गया है, जो 75 और 50 वाला जो टारगेट था उसको घटाकर 60 और 40 कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं निकलकर, जिसको इस स्कीम की जरूरत नहीं है, वो अपना लालन पालन भरण पोषण जो है वो खुद कर सकते हैं। और इसमें जो लेटेस्ट सेंसस जो है वो हमारे पास में वो लास्ट वाला है, उसको यूज किया जाता था, अभी आने वाले टाइम में जैसे ही हमारा जो 2021 वाला सेंसस कंप्लीट हो जाता है फिर उसका डेटा यहां पर इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी चीजें आप लोग यहां पर याद रखिएगा। इसी में कई सारी स्कीम और भी देखने को मिलती है। वैसे 5 किलोग्राम खाने के बारे में याद रखिएगा आप लोग यहां पर, 5 किलोग्राम फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। इसमें आप लोगों को 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो और 1 रुपए किलो के हिसाब से, 3 रुपए किलो के हिसाब से चावल, 2 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं और 1 किलो के हिसाब से जो मोटा अनाज वगैरह इसके अंदर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आप लोग सोच के देखो इससे ज्यादा अफोर्डेबल और क्या होगा। बस यहां पर ये रहता है अफोर्डेबल के साथ साथ में कि लोग क्या करते हैं, इसका गलत फायदा उठाते हैं, यहां से अनाज वगैरह लेकर आते हैं। जैसे मैंने भी अपने आसपास वाले एरिया में चीजें देखी हैं कि अपने जानवरों को खाना खिला देते हैं इसको पर्टिकुलर, ताकि जानवरों का काम चलता रहे, फ्री में मिल जा रहा है तो क्या दिक्कत चल रही है। और इसी के साथ में यहां पर इसके साथ में ये ऐसी स्कीम है जिसमें मैटरनिटी रिलीफ की भी बात की जाती है, यानी कि अगर कोई महिला है प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में बात कर रहा हूं, उसको 6,000 रुपए प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टेटिंग मदर को, यानी कि जो बच्चे को दूध पिलाने वाली मां है, उसके लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है, एक बच्चे के 6 महीने के बाद तक आप लोग यहां पर इसको ले सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना। और इसके अंदर में मील की फैसिलिटी है 14 साल तक के बच्चों के लिए भी, आप लोगों ने देखा होगा मिड डे मील स्कीम वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि हमारे देश के अंदर में काम करती है और इसका बेस रखा हुआ है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर। तो यहां पर गवर्नमेंट ओन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1965 में बनाई गई थी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1964 एक्ट के तहत में। ये इंश्योर करती है कि देश के अंदर में लोगों के पास में खाना पहुंचे और एक तरीके से फूड सिक्योरिटी को मेंटेन रखा जा सके। और इसको इंप्लीमेंट करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका नाम आप लोग याद रखेगा, ठीक है। और आप लोगों से अगर मैं बात करूं, आप लोगों को अपनी लाइफ जो है वो जीनी है और आप लोगों को राइट टू फूड के बारे में बात करूं, तो आप लोग बताइए कि राइट टू फूड यानी कि हर एक इंसान के पास में कम से कम खाना होना चाहिए, तो ये किस संविधान के आर्टिकल के अंदर में इसको कवर कर सकते हैं आप लोग यहां पर, यानी कि एक इंसान को फूड मिलना चाहिए एटलीस्ट जिंदा रहने के लिए। तो आप लोगों को पता है कि पार्ट 3 में संविधान के जब हम लोग जाते हैं तो राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो राइट टू लाइफ को राइट टू फूड में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे,
ये आर्टिकल 21 संविधान का आप लोग यहां पर याद रखिएगा, जिसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ये पूरा टॉपिक आप लोगों के साथ में हर एक डायमेंशन से समझ में आ गया होगा। फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बात कर ली, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर ली, और राइट टू लाइफ के बारे में भी यहां पर बात कर ली। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल यानी कि संवैधानिक एंगल भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि बेसिक इंसान को रिक्वायरमेंट है जिंदा रहने के लिए। ठीक है, आप लोगों ने खाना सुना, एक गाना सुना ना, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम दो वक्त का खाना जरूरी है सनम। ठीक है ना, तो खाना जरूरी है, जब तक पेट पूजा नहीं होगा तब तक काम दूजा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के सामने, ये ऐसा टॉपिक है जिसको आप लोग यहां पर दो स्टेट के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, दो रिवर के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर योजना भी है जिसको बोलते हैं अटल भूजल योजना, तो इसके तहत भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख पाएंगे। अभी यहां पर एक मीटिंग हुई, यहां पर ये बेसिकली दो चीजों को लेकर आप लोगों को देखने को मिलती है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी और अटल भूजल योजना। तो रिसेंटली अभी यहां पर ये पर्टिकुलर मीटिंग देखने को मिली। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यहां पर बात करूंगा केन बेतवा, ये जो पर्टिकुलर एक लिंक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, तो दो राज्यों के बीच में आप लोगों को ये देखने को मिलता है। एक राज्य है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, उसकी जो रिवर है उसका नाम है बेसिकली बेतवा रिवर है बेसिकली उत्तर प्रदेश की, और एक रिवर है जिसका नाम है केन, और वो केन रिवर है मध्य प्रदेश की। तो इन दोनों रिवर को इंटरलिंक कर ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ताकि जो बुंदेलखंड वाला रीजन है जो बहुत ही सूखा पड़ा रहता है उसको इरिगेट किया जा सके इन दोनों रिवर के पानी को इकट्ठा करके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर में आप लोगों को यहां पर एक पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व। तो इसलिए कई बार बोला जाता है कि इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाने वाला प्रोजेक्ट हो सकता है, ऐसी भी बातें इसके बारे में की जाती है। तो केन बेतवा ये वाटर लिंक प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग ये तो एटलीस्ट कम से कम याद रखिएगा। ठीक है, अभी यहां पर मैं बात करता हूं अटल भूजल योजना के बारे में। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि लॉन्च की गई थी 2019 में, और इसका ड्यूरेशन 5 साल का था। 5 साल मतलब 2020-21 से लेकर 2024-25 तक ये स्कीम चलने वाली है, और फिर आगे चलकर इसका ड्यूरेशन जो है 2 साल बढ़ा दिया गया, क्योंकि पहले बोला जा रहा था कि यहां तक चलेगी, फिर आगे चलकर और एक्सटेंड कर दिया गया ताकि अच्छे लेवल पर इसको इंप्लीमेंट किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाया जा सके। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री है, बेसिकली कौन मिनिस्टर है, क्योंकि छोटी छोटी सी चीजें तो एटलीस्ट आप लोगों को पता ही होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं ये कहां कहां पर फायदा पहुंचाने के लिए बात की जा रही है, तो हर उस एरिया में ये स्कीम फायदा पहुंचाएगी जिस एरिया में पानी की कमी रहती है, जैसे हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो जहां जहां पर भी ऐसे बेसिकली एरिया है जहां पर पानी की दिक्कत रहती है, तो उन एरिया को इस स्कीम के तहत में लेकर आया गया, और इंक्लूसिव एक तरीके से लेकर चलना है लोगों को भी, उनका बिहेवियर भी चेंज करना है पानी को लेकर, और डिमांड और साइड मैनेजमेंट को लेकर अच्छे से चला जाएगा ताकि रिक्वायरमेंट क्या है उसी के हिसाब से सॉल्यूशन निकाला जाएगा। मतलब एक इंसान जो है वो चाह रहा है बॉडी बनाना, ठीक है, और एक इंसान जो है वो चाह रहा है वेट बढ़ाना, एक इंसान जो चाह रहा है वो चाह रहा है वेट घटाना, तो तीनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक को बॉडी बिल्डिंग का कॉम्पिटिशन लड़ना है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपने मसल्स गेन करने के लिए। एक को बस फिट रहना है, अपना वेट घटाना है, तो उसको नॉर्मल एक्सरसाइज, और एक को वेट घटाना है उसको अपोजिट जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह कि हर एक इस एरिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां पर ये स्कीम जो है वो काम करती है, यहां पर नजर आती है। तो इसलिए यहां पर ये न्यूज में थी। तो अटल भूजल योजना और केन बेतवा वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट दोनों के बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब ये स्कीम न्यूज में आती है तो इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट डालेगी उसके बारे में बात करते हैं, क्या क्या लीगल प्रोविजन हो सकते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत में यहां पर कैसे को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो वो भी बात करते हुए नजर आते हैं। और हमारा देश एक ऐसा देश है दोस्तों जहां पर दुनिया भर के वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट और कहीं ना कहीं वाटर डिस्प्यूट प्रोजेक्ट भी आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वाटर डिस्प्यूट जो बेसिकली एरिया है वो भी देखने को मिलेगा अलग अलग रीजन में। केन रिवर जो है वो मीट करती है यमुना के साथ में यूपी के अंदर में, और बेतवा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि केन जो है ये आप लोगों को, बेतवा जो है ये आप लोगों को ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती हैं किसकी, यमुना रिवर की। तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एक एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है, तो कि किस रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, और पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो केन रिवर के साथ में कनेक्ट है, तो ये आप लोग याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकते हैं।
बेसिक है और इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरा टॉपिक अच्छे से कवर किया है, ठीक है। अगर आप लोग रेगुलर लेक्चर सुनते हैं तो उस लेक्चर में आप लोगों ने सुना होगा मैंने डिस्कस किया था RODTEP स्कीम के बारे में, एक पूरा का पूरा आर्टिकल डिस्कस किया था हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर में, जिसको आप लोग INA भी बोलते हो। उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि WHO कैसे काम करते हैं और किस तरीके से WHO जो है वो यहां पर चाह रहा है कि इस स्कीम को हम लोग जो है आगे लेकर न चले। ये क्या है, रिमिशन ऑफ द ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यानी कि रिमिशन करना, छोड़ देना किसको, जो ड्यूटीज और टैक्सेस लगाए जाते हैं ऑन एक्सपोर्ट, जो कि हमारे देश के अंदर में जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर में। मतलब मैं समझाता हूं थोड़ा सा डिटेल में, हमारे देश के अंदर में गेहूं का उत्पादन जो है वो काफी लार्ज स्केल पर होता है, मतलब एक तरीके से आप लोग बोले जो वीट ग्रेन है उसको काफी अच्छे से हम लोग अपने देश में उगाते हैं। अगर हम लोग को उसको एक्सपोर्ट करना है और उसके ऊपर में एक्सपोर्ट का टैक्स हम लोग हटा दें तो वो सस्ता हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में। ऑलरेडी हमारा जो गेहूं है हम जब उसको इंटरनेशनल मार्केट में ले जाके बेचें और पता चला कोई और दूसरा देश जहां पर उसके देश का टैक्स लगकर उसके ऊपर में आ रहा है वो इंटरनेशनल मार्केट में ले जाकर बेचे, दोनों के गेहूं में आप लोगों को डिफरेंस नजर आएगा, खासकर अगर प्राइस के बारे में बात करें। और जैसे मान लीजिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में हम लोगों को गेहूं ले जाकर बेच रहे हैं या फिर किसी दूसरे गरीब देश के अंदर में गेहूं ले जाकर बेच रहे हैं तो प्राइस जो है वो वहां पर मैटर करता है। अमीर लोगों के लिए प्राइस मैटर नहीं करता है पर गरीब लोगों के लिए प्राइस मैटर करता है, तो उस प्रोडक्ट को मार्केट में लोग जो है वो ज्यादा खरीदने लगते हैं। तो यहां पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है कि आप लोग इस तरीके से चीजों को लेकर नहीं चल सकते कि दूसरे प्रोडक्ट के कंपेयर में अपने प्रोडक्ट को मार्केट में आप लोग बेचने के लिए उसके ऊपर से सारे ही ड्यूटी और टैक्सेस जो हैं वो हटा दो बिल्कुल ही, मिनिमम कुछ ना कुछ तो आप लोग को रखना ही रखना पड़ेगा। ये तो ये हो गया कि अपने आप को बर्बाद कर मैं दूसरे को बर्बाद करूंगा, जैसे अक्सर चाइना करता है, अपने देश के अंदर में कई सारे प्रोडक्ट वो बनाता है और उनको दूसरी मार्केट में ले जाकर डंप कर देता है। डंप का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए उसकी प्रोजेक्ट को बनाने की कॉस्ट जो आई है वो आई है 100 रुपए, ठीक है, टोटल कॉस्ट उस प्रोजेक्ट की, और वो ले जाकर मार्केट में बेच रहा है उसको 70 रुपए में। क्यों, क्योंकि 30 रुपए की हानि भी हो रही है उसके बाद ही बेच रहा है, तो इसको बेचना नहीं कहते, इसको डंप करना कहते हैं। इससे क्या होगा, जिस देश के अंदर में ले जाकर ये इसको डंप करेगा उस देश की मार्केट तो बर्बाद हो जाएगी, सब चाइना का माल खरीदेंगे, इतना सस्ता कोई बेच ही नहीं सकता जितना सस्ता ये बेच रहे हैं। तो इसके चलते दुनिया भर की मार्केट जो है अलग अलग एरिया में इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी। और यहां पर ये WTO इस चीज को देखता है, इसीलिए वो बोलता है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी आप लोग लगा सकते हो अगर कोई ऐसा काम करता है, यानी कि कोई डंप करता है अगर अपना प्रोडक्ट तुम्हारी मार्केट में लाकर और तुम्हारी जो लोकल मार्केट है अगर उसको बर्बाद करता है तो तुम यहां पर उसको कंट्रोल कर सकते हो। पर हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग उनको चाह रहे थे कि प्रोडक्ट किसी की मार्केट बर्बाद करना, हमारा बेसिक पर्पज ये था कि हम लोग यार अपना एक्सपोर्ट बढ़ा लें, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसलिए यहां पर इसको स्टार्ट किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। और इस स्कीम में यहां पर जो फ्राइट ऑन बोर्ड जो वैल्यू है एक्सपोर्ट की उसको बेसिकली एक तरीके से रिफंड किया जाएगा, यानी कि एक तरीके का खर्चा जो उनका लगेगा उस टाइम पर उसको रिटर्न किया जाएगा ताकि मार्केट में ले जाकर वो अपने प्रोडक्ट को सस्ता बेच सके। इसीलिए WTO ने बोला है कि ये कंप्लायंस के खिलाफ है और इसको बंद करिए, क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट जब मार्केट में आएगा दूसरे प्रोडक्ट के कंपेयर में वो काफी ज्यादा सस्ता देखने को मिलेगा और इसके चलते ये इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिशन है यहां पर उसको ब्रेक करता हुआ यहां पर नजर आएगा। तो ये गलत है अगर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ से हम लोग बात करें। तो सारी बातें मैंने बता दी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है अगर है तो बताइए, और इसकी हेड कौन है आज की डेट में ये भी आप लोगों को बताना है। देखता हूं आप में से कौन इसका सही आंसर देता है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इससे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था GATT, अब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1995 में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिप्लेस कर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। पहले वाला जो ऑर्गेनाइजेशन था वो ओनली गुड्स यानी कि सामान के ऊपर में काम करता था, प्रेजेंट टाइम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए काम करता है। तो ये बहुत ही बेसिक सी फाउंडेशन इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी, तो आप लोगों को ये सारी चीजें पता ही होगी अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर सुनते हो, पर फिर भी रिवीजन करा दिया तो आप लोगों को इसको लेकर अब डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। 2020 में हमारे देश के अंदर में बहुत ही बड़ी त्रासदी आती है, ना कि ओनली हमारे देश के अंदर में दुनिया भर में त्रासदी आती है जिसका नाम था COVID-19। दोस्तों उस त्रासदी ने इतना ज्यादा ग्राउंड लेवल पर चीजों को बर्बाद कर दिया कि लोग जो है आज तक भी उससे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारी नई नई मेडिसिन हमारे जो देश में आई या दुनिया में यहां पर आविष्कार किया गया दवाइयों का और उसको बेचा भी गया मार्केट के अंदर में आकर। उस टाइम पर हमारे देश की जो प्राइम मिनिस्टर या फिर बोले सरकार थी जो उस टाइम पर, तो मतलब एक तरीके से हमारे देश की सरकार के द्वारा PM केयर फंड जो है वो यहां पर लॉन्च किया गया ताकि लोगों की हेल्प की जा सके। इसका नाम क्या रखा गया, PM केयर मतलब प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस, यानी कि जो सिटीजन है उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराने का काम करेगा। रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, यानी कि जब इमरजेंसी में हमारा देश होगा उस सिचुएशन में हेल्प करने की कोशिश करेगा।
ये जो फंड था इसके अंदर में डोनेशन की बात की गई और मिनिमम 10 रुपए तक भी आप लोग इसके अंदर में डोनेशन कर सकते थे। उस टाइम पर याद होगा मैंने भी आप लोगों को बोला था डोनेशन करने के लिए और काफी कुछ मैंने भी अपनी तरफ से यहां पर इसके अंदर में डोनेट किया था। पर लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कब निकल कर आई, जब यहां पर पैसा दुनिया भर का इकट्ठा हो गया और लोगों ने पूछा कि सरकार आप बताओ तो सही कि इसके अंदर में कितना फंड आ गया है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये पैसा तो जनता का है, जनता ने डोनेट कर यहां पर इसके अंदर में डाला है, तो यहां पर सरकार ने पैसा बताने से मना कर दिया। उस टाइम पर यहां पर ये काफी बड़ा धक्का लगा लोगों को जिन्होंने डोनेट किया था कि हमारे द्वारा डोनेट किया गया पैसे की इन्फॉर्मेशन हमको ही नहीं है। तो कई सारे लोग जो है इसको लेकर कहां गए, जो यहां पर बेसिकली आज के डेट में सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उसके पास में गए और उनको बोला आरटीआई डालकर कि इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ। किसको डिस्क्लोज करनी थी इन्फॉर्मेशन, आईटी डिपार्टमेंट को डिस्क्लोज करनी थी, तो उनको डायरेक्ट किया गया डिस्क्लोज करने के लिए। तो अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट का यहां पर डिसीजन आया, उन्होंने जो यहां पर बेसिकली सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का जो ऑर्डर था जिसने आईटी डिपार्टमेंट को बोला था कि वो इन्फॉर्मेशन बता दो कि इसके अंदर में कितना फंड इकट्ठा हुआ है, तो उन्होंने उसकी इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट डिलीवर करने से मना कर दिया और कोर्ट ने भी उनको सही ठहराया कि हाँ ये जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है ये आईटी डिपार्टमेंट को डायरेक्ट नहीं कर सकता कि यहां पर इस पर्टिकुलर फंड को आप लोगों को डिस्क्लोज करना है। तो उसके चलते यहां पर ये फिर से न्यूज में अभी आ गया था। मतलब कहने का है कि आप लोगों ने सरकार को जो पैसा दिया है उसके बारे में आप लोगों को कभी पता नहीं चलेगा, अगर सरकार चाहेगी तो ही आप लोगों को पता चलेगा, वरना उसके बारे में आप लोगों को पता नहीं चलने वाला है, ये बातें आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर फंड था ये पब्लिक ट्रस्ट के तरीके से इसको रजिस्टर किया गया कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर, और इसको जो एडमिनिस्टर कर रहे थे वो थे ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वो इस फंड को बेसिकली कंट्रोल भी कर रहे थे। तो ये बातें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। मैंने आप लोगों से जब ये यहां पर फंड के बारे में डिस्कस किया, कई बार मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली जो रेगुलर वीडियो आती है कि पीएम केयर फंड के बारे में हम लोगों ने कई बार बातें की है। तो इस फंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आ रही थी वो बात क्या थी, वो बात ये थी कि ये जो फंड है इस फंड को लेकर क्यों इसको लॉन्च किया गया था, क्योंकि इससे पहले एक और फंड हुआ करता था प्राइम मिनिस्टर के नाम पर डिजास्टर रिलीफ फंड, तो यहां पर फिर इस फंड को लेकर हम लोग क्यों आए थे, तो ये बातें कई बार बोली जा रही थी। हालांकि इस फंड को अलग पर्पज के लिए रखा गया, वो अगर कोई कैलेमेटिक डिजास्टर आता है तो उसके फंड के लिए उसको इसलिए रखा गया था, तो ये फंड बार बार इसलिए न्यूज में आ रहा था। ठीक है, बाकी आप लोगों की क्या राय है इस फंड को लेकर आप लोग बताइएगा, कई बार क्वेश्चन इससे बन चुके हैं। इसके अंदर में कई सारी मिनिस्ट्री भी पार्टिसिपेट कर रही थी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर तो चेयरपर्सन रहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये भी यहां पर इसके साथ मिलकर काम कर रहे थे, और कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे यहां पर इसके अंदर में, जैसे कि रतन टाटा जी हो गए, ठीक है, सुधा मूर्ते हो गए, तो ये हमारे देश के बड़े बड़े जो इंडस्ट्री जो यहां पर एक तरीके से कंपनी के मालिक हैं, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया ताकि देश को ऐसी प्रॉब्लम में बचाया जा सके जब इतनी बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है, यानी कि एक महामारी से देश को बचाने के लिए सबने कंधे से कंधा मिलाकर यहां पर काम किया था। ठीक है, तो अभी रिसेंटली ये भी न्यूज में था, तो कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए, अगर डाउट होगा तो यहां पर आप लोगों का डाउट क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, तो दोस्तों हम लोगों ने यहां पर पॉलिटी और गवर्नेंस से यानी कि दो बेसिकली जो सेक्शन थे वो शानदार तरीके से कवर किए स्कीम के साथ में। अब कोई भी डाउट आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, अब चलेंगे अपने अगले सेक्शन की ओर। ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ आप लोगों ने कई बार सुना होगा और ये रियलिटी भी है। अगर एक इंसान हस्तपुष्ट है, हेल्दी है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकाल सकता है, पर लेकिन अगर वो खुद ही एक तरीके से बीमार है तो बहुत सारी सॉल्यूशन भी उसके लिए प्रॉब्लम बन जाती है, यानी कि वो किसी काम का नहीं रहता है। हेल्थ जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे संविधान के अंदर में जो यूनियन लिस्ट है बेसिक, जो हमारे संविधान के अंदर में जो 7th शेड्यूल है उसके अंदर में जो 3 लिस्ट है, एक है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। तो हेल्थ का जो मैटर है याद रखना वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आते हैं, यानी कि राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी है यहां पर हेल्थ को मेंटेन रखना। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखना। आइए अब आगे बढ़ते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी न्यूज है जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी यहां पर रही और एक एक्ट्रेस है पूनम पांडे, उनकी वजह से ये और भी ज्यादा यहां पर बेसिकली कंट्रोवर्सी बन गई, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही झूठी खबर फैलाई, जिसमें उन्होंने ये खबर फैलाई कि सर्विकल कैंसर की वजह से पूनम पांडे की जो है वो डेथ हो गई है। और ये भी उस टाइम पर खबर निकलकर आई जब हमारे देश के अंदर में बजट प्रस्तुत किया गया हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, और उस टाइम पर उन्होंने बजट के अंदर भी बोला कि हमारे देश के अंदर में जो बच्चियां हैं उनके लिए सर्विकल कैंसर की यहां पर बेसिकली जो वैक्सीन है वो उनको प्रोवाइड कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि सर्विकल कैंसर जो है उसको रोका जा सके। सर्विकल कैंसर जो होता है, जो एक पर्टिकुलर वायरस है उसकी वजह से देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है उसकी वैक्सीन अभी यहां पर प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, ताकि सर्विकल कैंसर को रोका जा सके।
ये सर्विकल कैंसर जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं महिला के, उसमें यहां पर बेसिकली वो गलना सड़ना स्टार्ट हो जाता है और ये एक तरीके की सेक्सुअल डिजीज की कैटेगरी में आता है। सेम कंडीशन जो यहां पर ये वेजाइनल बेसिकली वेजाइनल इन्फेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसे ही पीनल इन्फेक्शन भी है जो कि पेनिस के ऊपर में देखने को मिलता है और वो भी सड़ने गलने लगता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों को प्रॉब्लम में पहुंचाने वाली है ये बीमारी, इसीलिए इसको इतना ज्यादा फोकस दिया गया। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है उसकी वजह से यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिल रही थी। सेकंड मोस्ट कॉमन एक तरीके से ये वायरस है जो कि महिलाओं की जान लेता है देश के अंदर में, आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर आप लोगों ने नहीं कई बार सुना होगा कि महिलाओं की जान कई बार जाती है, पर ये सेकंड मोस्ट कैंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें हमारे देश के अंदर में अगर यहां पर 1.25 लाख के करीब केसेस निकल कर आए हैं तो 60 से 70 हजार लोगों की मतलब महिलाओं की जान जाती है इसकी वजह से। ये चीज आप लोग यहां पर समझ सकते हैं और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, द लैंसेट इंडिया के द्वारा यहां पर ये इसमें बात की गई कि अगर 4 महिला हैं ग्लोबली तो उनमें से 1 महिला की डेथ भारत के अंदर में होती है, यानी कि दुनिया में अगर 4 महिलाएं मर रही हैं इस कैंसर की वजह से, तो ये समझना कि इस कैंसर की वजह से 1 महिला की डेथ जो है वो हमारे देश में भी हो गई है। तो इसलिए ये खतरनाक लेवल का कैंसर आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसके बारे में आप लोग ये बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखेगा। बजट के अंदर में भी रिसेंटली इसके बारे में अनाउंस किया गया कि कैसे इस सर्विकल कैंसर को हम लोग ठीक कर सकते हैं, और वैक्सीनेशन की बात की गई यहां पर बेसिकली 9 से लेकर 14 साल की लड़कियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार यहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव भी जो है वो स्टार्ट कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हेल्थ का ध्यान रखा जा सके। ठीक है, अक्सर रामदेव बाबा जी को आप लोगों ने बोलते हुए कई बार सुना होगा कि सारी बीमारी जो है पेट से होती है। ये रामदेव बाबा जी की लाइन नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की भी लाइन है कि अगर आप लोगों का पेट सही है तो सब कुछ सही है, क्योंकि जो भी आप लोग खाते हो वो पेट में जाकर पचता है। अगर पेट की पाचन शक्ति पाचन क्रिया अगर सही नहीं होगी तो दुनिया भर की बीमारी आप लोगों के शरीर में लगी हुई नजर आएगी। इसमें से एक बीमारी खतरनाक है जो कि कब्ज की बीमारी आप लोगों ने सुनी होगी, और ये नॉर्मल हर एज में आप लोगों को देखने को मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं एक लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम बन जाती है आगे चलकर। उसके बारे में तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये तो जस्ट आप लोगों को बोल रहा हूं कि मॉर्निंग में उठकर अगर हल्का सा गुनगुना पानी आप लोग पियोगे और इसी के साथ में थोड़ी सी एक्सरसाइज अगर आप लोग करोगे तो ये चीजें आप लोग सुधार सकते हो। कोशिश करो कि कहीं ना कहीं जो बाहर का तला भुना खाना ना खाओ, तो बहुत सारी बीमारी वहां से भी आप लोगों की सुधर जाएगी। अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन अक्सर सुना होगा कि थोड़ी सी चीज होते ही सर में दर्द होने लगता है, और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि कई बार लोगों के ऊपर इतना हावी हो जाती है कि उनका दिमाग जो है वो फटने को हो जाता है। ये माइग्रेन की बीमारी मेरे एक फ्रेंड को भी थी, इसलिए मैंने इसको काफी पास से देखा है। अभी इसको डायरेक्टली लिंक किया जा रहा है यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके की इन्फ्लेमेटरी बोल डिजीज के साथ में, यानी कि एक ऐसा डिसऑर्डर जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ में कनेक्ट हो रहा है, यानी कि माइग्रेशन का भी डायरेक्ट लिंक आप लोगों को यहां पर डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ में बोला जा रहा है कि यानी कि पेट के साथ में इस बीमारी को लिंक किया जा रहा है। और आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, वो बोला करता था, हो सकता है कि वो उसको फील होता हो, तो मैं उसके ऊपर में कोई कमेंट नहीं कर रहा है, बस मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मॉर्निंग के टाइम पर अगर उस इंसान को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था, खासकर जैसे चाय के साथ में बिस्किट वगैरह, तो या फिर कोई भी कुछ खाने पीने की सामान जिसमें ग्लूकोज वगैरह हो, तो उसके सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता था। तो उस टाइम पर तो मुझे समझ में नहीं आता था, मैं बोलता था यार ये कैसी बीमारी है जो भूख की वजह से तुम्हारे सर में दर्द होने लगता है। पर लेकिन जब मैं इस डिजीज के बारे में यहां पर पढ़ रहा था तो तब मुझे उसकी बात वो कनेक्ट कर गई। उस टाइम पर तो कोई लोग उसको समझ भी नहीं पा रहे थे, बस हाँ ये बोले थे चलो कुछ खा लिया करे। पर जब मैंने ये न्यूज पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट रिलेशन इसके साथ में भी हो सकता है, क्योंकि पेट के साथ में सारी बीमारी का कनेक्शन होता है। तो यहां पर इसलिए वो एक कहीं ना कहीं जेन्युइन एक इशू आप लोग समझ सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो किसी की बीमारी का कभी भी मजाक मत उड़ाना, हो सकता है कि आगे चलकर उसके ऊपर भी स्टडी हो और पता चल जाए, जैसे ये एक बीमारी आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसके साथ में आप लोगों को पता है हमारे पेट के अंदर में छोटी आंत और बड़ी आंत आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उसको यहां पर कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके चलते ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इस बीमारी से कनेक्ट रहती है। दो कंडीशन है, एक तो यहां पर बेसिकली इसको बोला गया है यहां पर क्रोन डिजीज, और दूसरा बोला गया है यहां पर अल्सरेटिक। ठीक है, तो यानी कि अल्सर वाली बीमारी, बोलते नहीं कि दांत जो आंत है उसके अंदर में बेसिकली एक तरीके सूजन आ गई है, तो उसके साथ में इसको कनेक्ट करके बताया जा रहा है, तो उसका भी डायरेक्ट रिलेशन है यहां पर माइग्रेन के साथ में, ये बात बोल सकते हैं। यानी कि अगर एक इंसान अपने पेट को सही रखता है तो उसकी माइग्रेन की बीमारी भी जो है वो ठीक होने के चांसेस हो सकते हैं, ये एक संभावना आप लोग यहां पर बता सकते हैं। तो
तो आप लोगों के आसपास में अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके जिसको माइग्रेन की बीमारी है तो आप लोग जरूर उसको चेक करिएगा और उसको बोलिएगा कि हाँ यार ये सॉल्यूशन है, तुम फॉलो कर सकते हो कि अपने पेट की जो है उसकी हालत सही रखो तो माइग्रेन की बीमारी भी तुम्हारी ठीक होती हुई नजर आएगी। कोई ना कोई आप लोगों के पास में जरूर होगा अगर आप लोग नजर दौड़ाओगे तो। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, हल्का सा आइडिया रखिएगा कि ऐसा भी कुछ है। ठीक है दोस्तों, ये वाला सेक्शन भी एक इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन आप लोगों को रखा हुआ मिल जाता है। इसको बोलते हैं रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस। तो इसको मैं बहुत ही तसल्ली में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, ज्यादा नहीं है हालांकि, पर लेकिन जो भी है वो इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली यहां पर हमारे देश के अंदर में एक पर्टिकुलर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उसमें यह बोला गया कि हमारे देश के अंदर में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो रिसेंटली अभी रिड्यूस हो गई है। ये बात है इसके बारे में बोली गई है। तो जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है जब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो एक बात आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा कि अलग अलग डायमेंशन में पॉवर्टी देखी जाती है। तो यहां पर यह बोला गया है कि जो पहले जो गरीबी थी यहां पर वो बेसिकली यहां पर 2013-14 में 29.17% थी, अभी घटकर 11.28% हो गई है 2022-23 के अंदर में। ये डेटा इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि 9 साल में जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो काफी अच्छे लेवल पर डिक्रीज हो गई है। तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि MPI जो है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। अब क्या क्या है ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो यहां पर यह समझना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में जब बात की गई तो 2010 में सामने निकलकर आता है ये प्रोग्राम जिसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में बात की जाती है। पर लेकिन जब हम लोग बात करते हैं अपने देश के अंदर में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी तो फिर हम लोग बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग ने पब्लिश किया फर्स्ट एडिशन नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स फॉर इंडिया 2021 में, और उसी के चलते हम लोगों ने देखा कि हमारे देश के अंदर में जो गरीबी है वो बढ़ रही है या फिर गरीबी घट रही है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी हमारे देश में प्रस्तुत किया जाता है, ये तो चौथा है, अभी पांचवा भी आ चुका है 2019 के अंदर में, 19-20 के अंदर में। तो उसके अंदर भी कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने देखी कि गरीबी हमारे देश में घट रही है। इनमें अलग अलग चीजों को काउंट किया जाता है, जैसे 1/3 एरिया में हेल्थ को लेते हैं, 1/3 एरिया में एजुकेशन को लेते हैं, और 1/3 एरिया में जो लोगों का रहन सहन खान पान है उसको लेते हैं और उसके बेस पर इंडेक्स तैयार करते हैं। फिर आगे भी इनको डिवाइड करते हैं, जैसे हेल्थ में न्यूट्रिशन, चाइल्ड और एडोलेसेंट हेल्थ और मैटरनिटी हेल्थ, जैसे यहां पर एजुकेशन में ईयर ऑफ स्किलिंग और स्कूल में अटेंडेंस कैसी है, जब यहां पर लिविंग स्टैंडर्ड में बात करते हैं तो कुकिंग फ्यूल कैसा है यानी कि लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर गैस चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे हैं, साफ सफाई कैसी है, ड्रिंकिंग वाटर घर घर वगैरह है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, कुछ जमीन जायदाद है या फिर बैंक अकाउंट है, इन सब का जब एनालिसिस किया जाता है तो उसके बेसिस पर देखा जाता है। अगर इंसान के पास में ये फैसिलिटी नहीं है तो वो गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है, और अगर फैसिलिटी है तो उसको बोलते हैं कि गरीबी रेखा के ऊपर आ गया। तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में आप लोग याद रखेगा, जो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, बेसिक है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और पास्ट में भी बन चुके हैं। ओके दोस्तों, एजुकेशन के बारे में अगर कुछ भी लिखने के लिए आ जाए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा अगर आप लोग इसको मेंशन वहां पर कर दोगे। वैसे आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में 7वें शेड्यूल में जब आप लोग जाते हो तो 3 लिस्ट है, एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरे को स्टेट और तीसरे को कॉन्करेंट, और एजुकेशन जो है वो समवर्ती सूची में आता है जिसको आप लोग कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हो, यानी कि ये राज्य और यहां पर सेंटर यानी कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एजुकेशन को इंप्रूव करे। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेकर आई गई थी 2020 के अंदर में, ये तो आप लोगों को पता है। अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं एक रिपोर्ट के बारे में जो कि सरकार की नहीं है, पर सरकार इस रिपोर्ट का इस्तेमाल करती है इवन इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी, जिसमें यहां पर मेंशन किया जाता है कि कैसे कैसे कहां पर क्या क्या इंप्रूवमेंट है एजुकेशन के अंदर में और कहां से हम लोग चीजों को सुधार सकते हैं। इस रिपोर्ट में जिसको बोलते हैं एसर यानी कि एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, यानी कि देश में एजुकेशन की कैसी हालत है उसका सर्वे कंडक्ट कराया जाता है इस रिपोर्ट के चलते, और इसमें यह बताया गया कि 42% जो रूरल चिल्ड्रन है 14 से लेकर 18 साल की एज ग्रुप के बीच में, तो यहां पर उनके चलते यहां पर जो भी प्रॉब्लम है एक तरीके से वो ये है कि वो इंग्लिश के सेंटेंस तक भी नहीं इजिली जो है वो पढ़ पा रहे हैं। मतलब आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा कि गांव वाले बच्चों के लिए, खासकर जो विलेज एरिया में रहते हैं, इंग्लिश एक तरीके का एक ऐसा काला भूत है जिसको देखकर अक्सर वो डरते हुए नजर आते हैं।
तो यहां पर ये रिपोर्ट ने बकायदा सामने रखा, हो सकता है आने वाले टाइम में सरकार इसके बारे में कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाले, क्योंकि जब कोई दिक्कत सामने निकल कर आती है तो ही सॉल्यूशन फिर खोजने का मन करता है, यानी कि इंसान जब तक सॉल्यूशन नहीं खोजता जब तक प्रॉब्लम सामने नहीं आए। तो ये एक ऐसा सर्वे है जो कि हमारे देश में रूरल इंडिया को इंप्रूव करने का काम करता है, इसीलिए ये सर्वे मुझे बहुत प्यारा लगता है कि गांव वाले एरिया को कैसे हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं उसके ऊपर में फोकस करता है। और आज से नहीं 2005 से, यानी कि लगभग दो दशक होने वाला है इस सर्वे को आते आते, और गांव के ओल्ड जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां जहां पर गांव पाए जाते हैं वहां पर ये फोकस करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है किस सर्वे की, ये बकायदा ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों से पूछता है और उसके बेस पर अपना डेटा तैयार करता है, ना कि इधर उधर से कोई रिपोर्ट उठाकर उनमें से डेटा उठाकर छाप देता है। यानी कि ग्राउंड लेवल पर लार्जेस्ट सिटीजन बेस लेड सर्वे है इंडिया के अंदर में, जो कि एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रथम एनजीओ, जो कि ये प्रोवाइड कराती है, इसलिए इसके बारे में आप लोग यहां पर आइडिया रखेगा। देखो होता क्या है कि काम तो बहुत सारे करते हैं, एक तो इंसान है कि जैसे कि WHO के या फिर इनके जो भी कई बार आप रिपोर्ट देखते हैं इनमें क्या रहता है, इनमें ये रहता है कि देश के अंदर में जो भी यहां पर इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है देश की अलग अलग एजेंसीज के द्वारा, या फिर ग्राउंड लेवल पर कोई और एजेंसी अगर काम कर रही है तो उसका डेटा उठाकर यहां पर ये पब्लिश कर देते हैं। पर लेकिन एक ऐसा पर्टिकुलर एक ऐसा एनजीओ जो कि लगभग दो साल तक लगातार काम करता है बायएनियम, मतलब द्विवार्षिक, और उसके बाद में अपना डेटा निकाल कर लेकर आता है, तो उस पर लोग ट्रस्ट करते हैं। तो इन्होंने बोला कि आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे स्मार्टफोन किस किस के पास में है, कितने सारे बच्चे जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी डेटा बताया। मेल और फीमेल में काफी डिफरेंस है, अगर फीमेल में बात करें तो 7, तो यहां पर मेल में 15। तो कहने का मतलब ये कि लड़कों के पास में अक्सर फोन आ जाते हैं जल्दी, जबकि लड़कियों के पास में यानी कि फीमेल के पास में फोन जल्दी से नहीं आते हैं। इवन घर पे भी अगर फोन होता है तो आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली लड़कियां जो है उनको हाथ नहीं लगाने दिया जाता है लड़कों के, जबकि वो जेब में डालकर इसको घूमने स्टार्ट कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम आज भी सोसाइटी में है कि पैट्रियारिकल सोसाइटी में ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो रिपोर्ट का नाम है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, प्रस्तुत करने वाली एनजीओ है प्रथम, बाय एनुअल द्विवार्षिक लेकर आती है, गांव के डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, सिटीजन लेड सर्वे है यहां पर, ये ग्राउंड लेवल पर एजुकेशन की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, डाउट हो तो बताना उसको दूर किया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोगों के सामने, ये बात कर रही है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। दोस्तों ये एक ऐसा इंडेक्स है जो कि यहां पर टाइम टू टाइम आप लोगों के सामने आता रहता है, और इसमें यह पता चलता है कि कैसा है पासपोर्ट, यानी कि पासपोर्ट की ताकत कैसे है। अगर देश के बाहर आप लोगों को जाना है तो पासपोर्ट का होना आप लोगों के पास में जरूरी है, अगर पासपोर्ट नहीं होगा तो देश के बाहर आप लोग नहीं जा पाएंगे। तो पासपोर्ट एक कंपल्सरी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आप लोगों के पास में होना चाहिए। अभी बात कर रहे हैं यहां पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में जो कि यहां पर प्रस्तुत किया गया, और उसमें बताया गया यहां पर कि इंडिया जो है उसने जंप किया 3 स्पोर्ट से, यानी कि हमारी रैंकिंग जो है वो यहां पर इंप्रूव हो गई है, ये इनका मानना है। इसमें टॉप पर कौन है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन, ये यहां पर स्पेन ये टॉप पोजीशन अपनी बनाए हुए हैं। टॉप पोजीशन का मतलब क्या होते हैं, ये वो कंट्री हैं जिनका स्कोर 194 है। इसके बाद में मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि इन देशों से अगर किसी देश में आप लोग जाते हैं तो पासपोर्ट की ही जरूरत है, बस वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बोल सकते हैं आप लोग यहां पर कि एक तरीके से पासपोर्ट के बेसिस पर ही आप लोग की एंट्री हो जाती है। तो यहां पर टॉप 10 कंट्री जो है वो राजली डोमिनेटेड की जाती है यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, क्योंकि अमीर कंट्री है उनके द्वारा डोमिनेशन किया जाता है। इंडिया का पासपोर्ट रैंक जो है वो है 80, ठीक है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। और सीरिया जहां पर वीजा फ्री एक्सेस ओनली 29 डेस्टिनेशन की आप लोगों को देखने को मिलती है, सेकंड लोवेस्ट पोजीशन पर है, फॉलोड बाय इराक 31, और फिर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पाकिस्तान। इसको लेकर आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा एक इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को और देनी है, ये कई बार कई सारे बच्चे इसको कमेंट बॉक्स में पूछते हैं अक्सर जब नॉर्मल वीडियो में लेकर आता हूं कि वीजा फ्री एक्सेस क्या होता है। ये मतलब एक शब्द है कि वीजा फ्री एक्सेस, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों का वीजा नहीं लगेगा, बस पासपोर्ट के बेस पर ही आप लोगों को मिल जाएगा। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि अब वीजा फ्री एक्सेस को आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सिटीजन को जब किसी कंट्री में एंटर करना है तो विदाउट द नीड ऑफ ऑब्टेन ए वीजा इन एडवांस, यानी कि उनको एडवांस में लेने की जरूरत नहीं है, उनके साथ में ही उसको बेसिकली अलाउ किया जाएगा स्टे रहने के लिए स्पेसिफिक पीरियड के लिए, ताकि ये बायलेटरल एग्रीमेंट पर भी डिपेंडेंट होता है कि विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग द वीजा आप लोग जा सकते हो, ठीक है। एक है वीजा ऑन अराइवल, उसका मतलब क्या होता है कि आप लोग जब किसी कंट्री में ट्रेवल करोगे स्पेसिफिक कंट्री में, तो जैसे ही आप लोग यहां पर डेस्टिनेशन कंट्री में पहुंचोगे उसके एयरपोर्ट पर ही आप लोगों को यहां पर वो वीजा मिल जाएगा, वीजा ऑन अराइवल। तो ये जितनी ज्यादा कंट्री से ये फैसिलिटी आप लोगों को मिल जाती है उतना ही पावरफुल आप लोगों का पासपोर्ट होता है, और ये नॉर्मली उन्हीं देशों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है जिन देशों पर अपने किसी देश को ट्रस्ट है।
पाकिस्तान को तो हम लोग देने के नहीं है, ना ही हम लोग सीरिया को देने के, सारी ऐसी चीजें तो नॉर्मली उन्हीं देशों को दिया जाता है जहां पर ट्रस्ट होता है। तो सोच के देखो, अगर देश का ट्रस्ट अगर बढ़ता है तो कितनी सारी फैसिलिटीज आप लोगों को मिलती है। तो इसलिए देश के लिए हमेशा अग्रिम रहो, कहीं पर भी अगर देश की इज्जत बनाने की बात आए तो पीछे नहीं हटना है। इसका फायदा आप लोगों को भी देखने को मिलेगा इनडायरेक्ट वे में। ओके दोस्तों, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करें, इंटरनेशनल इवेंट के बारे में बात करें, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए यहां पर बन जाता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल इवेंट या फिर इंटरनेशनल इवेंट, इसको लेकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आप लोगों के बनते भी हैं। तो ध्यान से सुनिएगा इस वाले सेक्शन को दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर मैं आप लोगों को बात करूं, अभी हमारे देश के अंदर में एक फेडरेशन है जो कि काफी ज्यादा न्यूज में रही उसके हेड की वजह से। नाम क्या है उसका? उसका नाम था WFI, मतलब ये है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में गवर्नेंस का इश्यू था काफी लार्ज स्केल पर, इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आ गई थी। और इसके जो हेड थे उनका नाम भी आप लोगों को रट गया होगा क्योंकि रेगुलरली न्यूज में वो आप लोगों को देखने को मिलते थे, जिनका नाम था ब्रजभूषण। ब्रजभूषण साहब जो है उनके खिलाफ FIR जो है वो दर्ज की गई यहां पर, जो खासकर जो महिला खिलाड़ी हैं उनके द्वारा, और उनको अरेस्ट किया गया प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, यानी कि पोक्सो एक्ट के तहत उस इंसान को पकड़ा गया कि जो माइनर गर्ल है उनके साथ में वो छेड़खानी करता था, उनसे उल्टी सीधी हरकतें करता था। और इसके चलते हमारे देश की जो वर्ल्ड यानी कि ओलंपिक लेवल की जो खिलाड़ी हैं इनके द्वारा भी यहां पर इसके खिलाफ जो है वो आरोप लगाए गए, और कईयों ने तो अपने पदक जो है वो भी वापस किए। जब देश के अंदर में कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा हो तो उसको लेकर यहां पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा एक कमेटी फॉर्म की गई, और वो कमेटी इसलिए थी क्योंकि WFI को यहां पर सस्पेंड किया जा रहा था, जिसके चलते यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिल रही थी। तो कैसे इसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं, इसके लिए ये न्यूज में आ गई थी। ठीक है, तो यहां पर दोनों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। देखते हैं यहां पर WFI यानी कि हमारे देश की जो है बेसिकली, आप लोग उसके बारे में याद रखिएगा, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो उसके ऊपर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और बाकी इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन इसके बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोनों के बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया देखते हैं पहले, क्योंकि ये न्यूज में थी। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हमारे देश के अंदर में रेसलिंग को एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि गवर्निंग करने वाली बॉडी है, जो कि न्यू दिल्ली में अपना हेडक्वार्टर रखती है। ओलंपिक में कोई खिलाड़ी जाता है, एशियन गेम में कोई खिलाड़ी जाता है, या फिर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप होती है, या वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप होती है, तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ये उसमें खिलाड़ियों को भेजने का या सपोर्ट करने का काम करती है। आप लोगों को बता दूं यहां पर इसके साथ में कई सारे एक तरीके से सिस्टम होते हैं, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर खिलाड़ी है अगर यहां पर इसकी तरफ से खेलता है तो ग्रेड ए का उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है 30 लाख का। ठीक है, मतलब बकायदा सपोर्ट मिलती है। ग्रेड बी का उसको 20 लाख का, ग्रेड सी का 10 लाख का, और ग्रेड डी का 5 लाख का, इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है। एक ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में उनको यहां पर इतना पैसा प्रोवाइड कराया जाता है। तो यहां पर यह समझ सकते हैं इंडियन जो रेसलिंग है वो टॉप लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलती है। हमारे देश के पहलवान बोले ब्रजभूषण यादव हो गए, ठीक है, तो उनके बेसिकली कईयों के खिलाफ यहां पर एक तरीके से FIR भी रजिस्टर की गई थी। फिर एक 6 मेंबर की बॉडी बनाई गई थी मैरी कॉम जी की अध्यक्षता में। तो यहां पर हालांकि उसका जो रिजल्ट था वो इनको समझ में नहीं आया, उन्होंने बोला कि ये पर्टिकुलर ढंग से काम नहीं कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो ये पर्टिकुलर बॉडी, तो उस टाइम पर भी फिर से यहां पर न्यूज में आ गई थी। तो इसलिए यहां पर ये बॉडी काफी ज्यादा न्यूज में थी। तो यहां पर फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पिक्चर में आया, और यहां पर ये गवर्निंग बॉडी है, जो भी ओलंपिक मूवमेंट होते हैं या कॉमनवेल्थ गेम होते हैं हमारे देश के अंदर में, उसके लिए काम करती है। और इसका डायरेक्टली एफिलिएशन है यहां पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के साथ में, कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन के साथ में, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के साथ में, एंड एसोसिएशन ऑफ द नेशनल ओलंपिक कमिटी इनके साथ में। यानी कि ये ऐसी बॉडी है जो कि एक गवर्निंग, एक इंपॉर्टेंट बॉडी आप लोग बोल सकते हैं हमारे देश के अंदर में, जो गेम को लेकर सही लेवल में आगे चलती है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ जो यूथ अफेयर और स्पोर्ट है उसके द्वारा भी रिकॉग्नाइज की जाती है। 1927 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था सर दोराबजी टाटा, और इसी के साथ में एजी नोहरीन जो है फाउंडिंग प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी थे इस पर्टिकुलर बॉडी के। और ये रजिस्टर की गई थी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 का, उसके तहत में इसको रजिस्टर किया गया था। तो ये बहुत ही बेसिक सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग इनके साथ में कंफर्टेबल फील करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो हल्का सा इनको एक दो बार सुन लिया करो, क्योंकि जब तक सुनोगे नहीं तो अब तक याद नहीं रहेंगे, बार बार भूल जाओगे,
जितनी बार किसी चीज को सुनोगे उतने ही लंबे समय तक आप लोग याद रख पाओगे। ओके, तो इंपॉर्टेंट था टॉपिक। दोस्तों ये न्यूज पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि अब की बार आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। उसके पीछे रीजन है, हमारे देश के द्वारा 2.5 मिलियन यहां पर दिए गए थे UNRWA के लिए, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क्स एजेंसी है। किसके लिए काम करती है? जो पैलेस्तीनी रिफ्यूजी हैं उसके लिए काम करती है, खासकर जो नियर ईस्टर्न वाले रीजन में यहां पर पाए जाते हैं। मतलब ये याद रख सकते हैं कि ये एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो कि पैलेस्तीन के ऊपर में जब अटैक किया जाता है इसराइल के द्वारा, तो जो भी रिफ्यूजी आते हैं, रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी जो आते हैं, उनकी हेल्प यानी कि सहायता प्रोवाइड कराने के लिए ये इंटरनेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। इसमें वॉलेंट्री सब अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं यानी कि अपना अनुदान देते हैं, और उस पैसे का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फिर यहां पर। तो उसके चलते आप लोग इसके बारे में याद रखेगा। तो यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर फेलेस्तीनी रिफ्यूजी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। अब हमने पैसा दे दिया बस इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गई सर, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है? हाँ पूछा जा सकता है, हमने पैसा दिया है इसलिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पर लेकिन इससे के साथ में एक और इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ, इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमने पैसा दिया, हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री है, पर रिसेंटली अभी कई सारी यूरोपियन कंट्री के द्वारा, जिसमें से आप लोग यूनाइटेड किंगडम भी एक देखने को मिलेगा, इस पर्टिकुलर एजेंसी के अंदर में पैसा देने से मना कर दिया गया है। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि इंडिया पैसा दे रहा है और जो अमीर जो देश हैं वो पैसा देने से मना कर रहे हैं इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर में। तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा न्यूज में आ गई। तो रिलीफ एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट एजेंसी है यूएन की, जो कि यहां पर कहीं ना कहीं रिफ्यूजी जो लोग होते हैं स्पेसिफिक रीजन में, उनकी हेल्प करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फिलहाल इसको आज नहीं, 1949 में बनाया गया था, 1950 से ऑपरेशन इसने स्टार्ट कर दिया। और ये एक वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे नहीं आप लोग कई बार अपना डोनेशन देते हो कहीं पर जाकर, कोई प्रेशर थोड़ी ना डालता है। जैसे आप लोगों को याद होगा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जब लॉन्च किया गया था, पीएम केयर फंड, उसमें कई सारे बच्चों ने मेरे बोलने पर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। तो वो ऐसा नहीं था कि मैंने बोला था कि तुमको कॉन्ट्रीब्यूशन देना ही देना है वरना मैं क्लास में बैठने नहीं दूंगा, ऐसा कुछ थोड़ी ना बोला था यार मैंने, ठीक है। उसमें आप लोगों ने भी हेल्प किया, मैंने भी हेल्प किया, तो वो क्या था, वो अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन था, ना कि किसी के बोलने पर, एक तरीके से किसी के प्रेशर डालने पर, या फिर उसके बदले आपको कुछ फायदा मिल रहा था। तो वॉलेंट्री का मतलब ये होता है कि यूएन के सारे मेंबर स्वेच्छा से, तो इंडिया ने 2.5 मिलियन यहां पर दिया है, तो ये स्वेच्छा से दिया है, हमारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, हेडक्वार्टर वाला जो बेसिकली, तो मूव किया गया टू वियना ऑस्ट्रिया 1978 में। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। न्यूज में इसलिए है, इंडिया ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और यूके जैसी यूरोपियन कंट्री यहां पर मना कर गई, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों से क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हल्का सा आइडिया एटलीस्ट होना चाहिए। जब भी दोस्तों हमारा देश जो है कहीं इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को रिप्रेजेंट करे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इंडिया ने स्टार्ट कर दिया है 4-year term यूएन स्टेटिकल कमीशन के साथ में मिलकर, और ये बोला गया था कि यहां पर ये पर्टिकुलर 2024 में इंडिया का ये जो मिशन है ये यहां पर स्टार्ट होता हो आप लोगों को नजर आएगा। तो यूएन स्टेटिकल मिशन जो है ये यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, जब इंडिया इसमें पार्ट बन गया है एज ए मेंबर के तौर पर, तो हमारे देश के अंदर में इससे क्वेश्चन पूछा जाए कोई बड़ी बात होगी नहीं, पूछा जा सकता है आसानी से। तो यूएन स्टेटिकल कमीशन के बारे में बेसिक और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए अगर क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले यूएन स्टेटिकल कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था 1947 में, एक तो ये याद रखेगा, ये हाईएस्ट बॉडी है ग्लोबल स्टेटिकल सिस्टम के अंदर में, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है अगर बात करें इंटरनेशनल स्टेटिकल एक्टिविटीज में, यानी कि अगर कोई भी स्टैंडर्ड क्रिएट करना है स्टेटिकल फील्ड के अंदर में, यानी कि उसको यहां पर ये डिजाइन करती है और इसकी डिस्कशन के साथ में उसको परमिशन मिलती है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों में बता दूं, 24 मेंबर कंट्री, 5 मेंबर जो है वो अफ्रीका से हैं, 4 मेंबर जो है वो एशिया और पैसिफिक से हैं, और 4 मेंबर आप लोगों को ईस्टर्न यूरोप से नजर आएंगे, और इसी के साथ में 4 मेंबर आप लोगों को लेटिन अमेरिकन और कैनेडियन, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और 7 मेंबर आप लोगों को वेस्टर्न यूरोप से देखने को मिलेंगे। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये इलेक्ट किया जाता है, बेसिकली याद रखिएगा बाय द ECSO, ठीक है। तो यहां पर इसका जो टर्म रहता है यहां पर, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, क्योंकि जब यहां पर मैं बात करता हूं टर्म के बारे में तो स्टेटमेंट देकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी टर्म जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा, और जो शब्द मैंने यहां पर बताया ई सी
OSCO, ठीक है, SOC, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये भी एक यूएन की एक सोशलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बोल सकते हो, जो सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में बात करती है और यूएन के चार्टर यानी कि यूएन के संविधान के हिसाब से काम करती है। टर्म जो रहती है यहां पर ये 4 ईयर रहता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दी। हम लोग मेंबर बन रहे हैं तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो कोई बड़ी बात होगी नहीं। ओके दोस्तों, ये टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है यहां पर, ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता है और वो भी इंडिया साइंस कांग्रेस के बारे में। और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल के लोग भी आकर यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, खासकर जो नोबेल प्राइज विनर होते हैं तो उनका भी पार्टिसिपेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। ये ऐसा है कि इसको लगभग 100 सालों में पहली बार इसको नॉर्मली पोस्टपोन किया गया, और ये पोस्टपोन भी इसलिए किया गया सरकार और इसके जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके बीच में रस्साकसी देखने को मिल रही है। सरकार कह रही है कि जो भी पैसा हम लोग यहां पर इसको देते हैं उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजर है वो ये कह रहे हैं कि सरकार हमको जो भी पैसा देती है उसका हम लोग इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, बस सरकार चाह रही है कि उसके हिसाब से हम लोग काम करें, उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे हम लोग एक ऑटोनोमस बॉडी के तरीके से काम करना चाहते हैं और सरकार वो काम हमको करने नहीं देती है। तो उसके चलते इनके बीच में रस्साकसी चल रही है और पहली बार 100 सालों में इसको पोस्टपोन किया गया है। 1914 में बनाई गई थी इसलिए 2014 में इसको 100 साल पूरे हो गए थे। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बॉडी कितनी पुरानी है। ये देश के जो भी नागरिक है उनके अंदर में साइंटिफिक टेंपर जनरेट करने का काम करती है, यानी कि आप लोगों को साइंटिफिकली प्रूव करती है कि हाँ आप लोग इस लेवल के खिलाड़ी हो, ये बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अच्छे लेवल के लोग हैं हम लोग। जैसे नहीं, चाइना ने क्या बोला, हमारी पॉपुलेशन जैसे ही बढ़कर उनसे ज्यादा हुई, चाइना ने बोला कि पॉपुलेशन ज्यादा है पर लेकिन स्किल्ड पॉपुलेशन तो हमारे पास में ज्यादा है, इनके स्किल्ड लेबर फोर्स जिसके पास में कोई ना कोई स्किल है, कोई कारपेंटर है, कोई बढ़ाई है, कोई कुछ है, वो हमारे पास में ज्यादा है। तो इसी तरीके से यहां पर एक इंसान है नॉर्मल इंसान और एक इंसान है जिसके पास में साइंटिफिक टेंपर है, इनके सही और गलत में वो फर्क समझ पा रहा है, तो उस इंसान के बारे में बात की जा रही है। तो इसके जो ऑर्गेनाइज किया जा रहे हैं इंडियन साइंस कांग्रेस को, तो एनुअली फर्स्ट वीक जनवरी में आप लोगों को देखने को मिलती है। फर्स्ट मीटिंग जो आप लोगों को देखने को मिली ये जनवरी 2000 ये जनवरी 1914 में, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता के अंदर में, और ये मिलकर काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में। और यही आरोप लगा रहे थे अभी कि यहां पर ये अपना पैसा, अपना जो भी इनको रिवेन्यू दिया जाता है उसका ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसकी वजह से यहां पर बार बार इसको पोस्टपोन किया जा रहा था और ये इसकी मीटिंग हो नहीं रही थी। इसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स के साथ में भी इंटरेक्शन होते हैं और एक तरीके से अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता था हमारे देश के अंदर में। और कई बार तो अगर मैं बोलूं सही मायनों में, जब नया साल स्टार्ट होता था तो देश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो पहली बार किसी इवेंट में जब निकलकर बाहर आता था तो ये पर्टिकुलर वो फर्स्ट इवेंट हुआ करता था, यानी कि जनवरी के महीने में ये नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलती थी फर्स्ट वीक के अंदर ही, जिसमें नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर इसका इसको एक तरीके से इनॉग्रेट किया करते थे। तो इसलिए किसी भी प्राइम मिनिस्टर का नए साल के अंदर में ये नॉर्मली फर्स्ट इवेंट माना जाता था, तो इसके चलते भी यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ जाता था। ठीक है, तो ये बेसिक है और इंपॉर्टेंट है, हल्का सा याद रखिएगा बस इसके बारे में। एक इंटरनेशनल लेवल पर समिट होती है हर साल, ये काफी इंपॉर्टेंट समिट आप लोग बोल सकते हो और जो कि बहुत ही ज्यादा न्यूज में भी रहती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई सरकार की मीटिंग है, इसके साथ में जो भी फेमस इंसान है वो पार्टिसिपेट यहां पर कर सकते हैं, कोई यूट्यूबर भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल पर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है या कोई फेमस सेलिब्रिटी है अगर वो चाहे तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, अगर वो लोगों को अवेयर करने के कोई ना कोई काम कर रहा हो। तो दावोस के अंदर में ये स्विट्जरलैंड के अंदर में समिट होती है और ये समिट 1971 से जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है यहां पर उसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलती है, ऑर्गेनाइज कराई जाती है। 2014 की जब ये समिट हुई तो बोला गया रीबिल्डिंग ट्रस्ट, यानी कि जो ट्रस्ट कोविड 19 के टाइम पर या फिर रसिया और जो बेसिकली यहां पर यूक्रेन की लड़ाई या फिर पैलेस्तीन जो बेसिकली यहां पर एक तरीके से इजराइल की लड़ाई या फिर फिलहाल अभी जो चल रहा है ईरान और यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में रेड सी के अंदर में, तो दुनिया भर की जो भी प्रॉब्लम है उनको साइड में रखकर हम लोग ट्रस्ट को रीबिल्ड करेंगे। कोविड 19 इसके बैकग्राउंड में बेसिक एक तरीके से यहां पर थीम था। ठीक है, दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये इसकी एनुअल मीटिंग आप लोगों को द्वारा देखने को मिलती है, ये थीम है 2024 की, ये तो याद रखनी है। इस्टेब्लिश की गई थी यहां पर 1971 में जनेवा स्विट्जरलैंड में, इसका आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम करती है, मैंने बताया ना
कि पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है, यानी कि इंडिविजुअल को भी यहां पर इनवाइट किया जाता है। इवन देश के जो फेमस यूट्यूबर है भुवन बाम, उनको भी यहां पर इनविटेशन मिला था आने का। उन्होंने कई सारी अवेयरनेस की वीडियो बनाई थी तो उसके चलते उनको इन्विटेशन यहां से मिला, ठीक है। और वो वीडियो कई ज्यादा बहुत ज्यादा वायरल भी हो गई थी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंची। अब मैं इतना फोकस इसके ऊपर में क्यों दे रहा हूं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं जब यहां पर बात करते हैं इसकी रिपोर्ट के बारे में। आप लोगों से कोई पूछे कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन प्रस्तुत करता है, तो यही ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तुत करती है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, यही ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तुत करती है। ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बहुत फेमस है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एंड ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये तो पूछी भी जा सकती है। इंडिया और मालदीव को लेकर जो टूरिज्म के ऊपर में इतना ज्यादा हा हुल्ला देखने को मिला, तो ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म जो रिपोर्ट है वो कौन प्रस्तुत करता है, तो याद रखना ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और ये क्वेश्चन भी अगर कोई पूछ ले तो कोई बड़ी बात होगी नहीं, इसलिए बेसिक और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। कंफ्यूजन हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा, ओके। अभी इंपॉर्टेंट जो न्यूज है आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा, अभी दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में याद रखना। एक तो फॉर्मर बिहार के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है, बेसिकली जिनका नाम आप लोगों को याद रखना है, जिनका नाम है कारपुरी ठाकुर। और दूसरे यहां पर अभी फिलहाल रिसेंट में एलके आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी साहब जो हैं, उनको दोनों को भारत रत्न से नवाज दिया गया है हमारी सरकार के द्वारा। तो इसलिए भारत रत्न के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि 1954 में स्टार्ट किया गया और एक साल में मिनिमम तीन लोगों को दिया जा, मैक्सिमम तीन लोगों को दिया जा सकता है। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया था। इसके अंदर में कोई पैसा वगैरह आप लोगों को नहीं मिलता है, पर हां इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये मिल जाता है तो ये समझो आप लोग एक यूनिक पर्सनैलिटी बन गए देश के अंदर में, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे देश का। जैसे किसी भी देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है तो ये हमारे देश का है। सिविलियन अवार्ड वैसे चार होते हैं टोटल मिलाकर, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो भारत रत्न है, उसके बाद में पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री, यानी कि सबसे अव्वल कैटेगरी में जो आता है वो है भारत रत्न। तो ये बात आप लोग यहां पर याद रखना, भारत रत्न जो है यहां पर ये ऐसा नहीं हमारे ही देश के लोगों को मिलता है। इवन अगर बात करें नॉन इंडियन, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान या नेल्सन मंडेला, ये मदर टेरेसा, अलग अलग लोगों को यहां पर ये टाइम टू टाइम मिल चुका है, जो कि इंडियन या फिर इंडियन मूल के या फिर जिनका इंडिया के साथ में डायरेक्टली कोई रिलेशन भी ना हो, मतलब रिलेशन इन द सेंस मतलब एक तरीके से इंडियन न हो, तो उनको भी ये दिया जाता है। यहां पर ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। जैसे नहीं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब को कई सारे अवार्ड देखने को मिलते हैं अलग अलग दुनिया के लोगों को द्वारा, हाईएस्ट उनका अवार्ड हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब को दिए गए रिसेंटली अभी। तो ये क्या होता है, ये होता है एक तरीके से अपने देश को कहीं ना कहीं एक दूसरे देश के साथ में अपने रिलेशन को दिखाना, ठीक है, कि हाँ इतने अच्छे रिलेशन है। तो ये चीजें आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। ये रिसेंटली अभी न्यूज में था। तो अवार्ड के बारे में, तो इंटरनेशनल लेवल की पर्सनैलिटी को भी अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग नेटो बोलते हो, नेटो के द्वारा अभी यहां पर एक पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आई कि तुर्की ने यहां पर स्वीडन को अप्रूव कर दिया गया है कि वो नेटो का मेंबर बन जाए। तुर्की यहां पर इसमें टांग अड़ाए हुए था। आप लोग बोलोगे तुर्की कैसे टांग अड़ाए हुए था, नेटो के अंदर में एक पर्टिकुलर प्रोविजन है कि अगर सारे के सारे मेंबर किसी चीज को अप्रूव न कर दे तब तक चलकर यहां पर वो चीज अप्रूव नहीं की जाएगी जब तक कि सारे हामी न भर दे। तुर्की अब तक अड़ंगा अड़ाई हुई थी यहां पर स्वीडन को लेकर, तो इसलिए यहां पर अप्रूवल नहीं मिल रहा था, क्योंकि स्वीडन जो है वो कई सारे ऐसी चीजों को सपोर्ट करता है जो कि तुर्की के फेवर में नहीं होती है, इसलिए तुर्की नहीं चाहता था कि यहां पर आए। पर लेकिन अभी यूएसए ने प्रेशर डाला तो उसके चलते स्वीडन जो है वो यहां पर इसका पार्ट बनने जा रहा है। अब तक टोटल मिलकर यहां पर 31 मेंबर नेटो के अंदर में हो चुके हैं, अगर स्वीडन भी ऐड होता है तो टोटल मिलाकर 32 मेंबर यहां पर हो जाएंगे नेटो के अंदर में, जो कि 1949 में स्टेब्लिश की गई थी वॉशिंगटन ट्रीटी के द्वारा, और ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं, ये एक तरीके की मिलिट्री अलायंस है, इसमें आर्टिकल 5 एक काफी ज्यादा खतरनाक एक पावरफुल वेपन है। अगर 31 या 32 मेंबर होते हैं तो इनमें से किसी भी मेंबर को अगर कोई टच कर देता है, अगर हाथ लगा देता है यहां पर, तो ये समझना कि 32 के 32 को हाथ लगा दिया और फिर यहां पर ये मधुमक्खी की तरह उस पर टूट पड़ेंगे और उसका सर्वनाश कर देंगे। तो इसलिए यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मायने जाती है। अगर कोई इसका पार्ट बन जाता है तो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर फील करने लगता है, इसलिए यहां पर यूक्रेन चाह रहा था कि वो इसका पार्ट बन जाए।
अगर वो इसका पार्ट बन जाता तो कभी भी रसिया यूक्रेन को चाहकर भी हाथ नहीं लगा पाता। इसके चलते अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में ये मारधगड़ आप लोगों को देखने को मिल रही है। और यूक्रेन को रसिया ने क्यों अलाउ नहीं किया, क्योंकि यूक्रेन एक ऐसा एरिया है जिसका बहुत बड़ा रीजन क्रीमिया आज के डेट में रसिया के कंट्रोल में है, और उसके चलते वो ब्लैक सी को कंट्रोल कर पाता है, जो कि एक नॉर्मल एरिया है जहां से वो दुनिया के साथ में ट्रेड कर पाता है। वरना रसिया के पास में कोई ऐसा अच्छा खासा एरिया है नहीं, मैक्सिमम एरिया रसिया के बर्फ में ढके रहते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जहां पर नॉर्मली उसको एक ऐसा वाटर मिलता है जहां से वो कनेक्ट हो पाता है अच्छे से। तो इसलिए रसिया की भी गले की फांस बन जाता अगर यूक्रेन जो है वो नेटो का पार्ट बन जाता। इसके चलते रसिया ने ये सारी चीजें यहां पर अभी की है, इसी के चलते यहां पर ये न्यूज में भी था, ठीक है। और यहां पर बोला भी गया था कि नेटो के कुत्ते ने रसिया के डोर पर जाकर भौंका, इसीलिए यहां पर रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई। ये यहां पर एक पोप के द्वारा बोली गई थी स्टेटमेंट, जो कि काफी ज्यादा फेमस हुई थी उस टाइम पर। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है रिसेंटली अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, और इसके कई सारे रीजन है। एक तो यहां पर नोवाक जोकोविच साहब जो है वो यहां पर इससे बाहर हो गए ऑस्ट्रेलिया ओपन से, और एक नया लड़का जो है वो यहां पर अभी जीत कर आया विनर की कैटेगरी में, जिसका नाम था यहां पर जेनिक सिनर, ठीक है। तो जेनिक सिनर साहब जो है वो इटली के थे, यहां पर वो इसको जीत कर आए, तो यहां पर इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आ गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट यहां पर ऑस्ट्रेलिया जो ओपन है वो इसलिए भी न्यूज में आ गया कि हमारे देश के जो रोहन बोपन्ना साहब है और जो मैथ्यू एडन है, तो उनके द्वारा मिलकर यहां पर जो डबल का खिताब है वो जीता गया। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में आप लोग याद रखना, क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों के लिए बन सकते हैं। मोस्ट ग्रांड स्लैम जीतने वाला इंसान जो है वो है नोवाक जोकोविच, 23 जीते गए। राफेल नडाल के द्वारा 22 जीते गए। रोजर फेडरर के द्वारा 20 जीते गए, और यहां पर पीटर्स सेंपस के द्वारा 14 जीते गए। तो टॉप सबसे ज्यादा खिताब जीतने वालों के नाम तो आप लोगों को याद रखनी है। अब इंपोर्टेंट बात क्या है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो ध्यान रखना, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एडन इनके द्वारा जीता गया अभी डबल वाला खिताब यहां पर। बाकी अलग अलग ग्रैंड स्लैम कब कब होते हैं ये इसके बारे में याद रखना। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो होता है और किस कोर्ट पर खेले जाते हैं मैच करने के लिए आ जाते हैं कई बार, ये है मिड जनवरी में होता है। फ्रेंच ओपन जो है वो मई और जून में होता है, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, यानी कि जैसा ग्राउंड होता है उसका नाम दिया जाता है। विंबलडन जिसको यूके का ओपन बोलते हैं, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ये जून से जुलाई में होता है। और सबसे लास्ट में होता है यूएसए ओपन, जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और ये नॉर्मली अगस्त बेसिकली या फिर अगस्त सेप्टेंबर के महीने में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये इसका ड्यूरेशन याद रखेगा, कई बार इनके कोर्ट को मैच करने के लिए आ जाता है, या फिर सबसे पहले कौन होता है उसके बाद में कौन होता है ये भी आप लोगों से कई बार पूछा जाता है। तो गेम्स की कैटेगरी में ये इंटरनेशनल इवेंट आप लोग बोल सकते हैं, जहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं, इंटरनेशनल बेसिकली गेम यहां पर, जिसका नाम है यहां पर ऑस्ट्रेलिया ओपन। ओके दोस्तों, ये एक ऐसी न्यूज है जो कि कई बार मैंने आप लोगों से कवर की है रिसेंटली, अभी कई सारे इसके ऊपर में एडिटोरियल भी आए। बस आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ से क्या याद रखना है मैं आप लोगों को बता देता हूं। रिसेंटली अभी साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल साउथ में आता है, उस पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा इसराइल, जो कि एक तरीके से देश ऐसा है जो कि आज के दिन में बहुत ज्यादा न्यूज में है क्योंकि उसने पैलेस्टीन के ऊपर में अटैक किया है, तो उस इसराइल को इस पर्टिकुलर कोर्ट के द्वारा क्या किया गया, इस पर्टिकुलर बेसिकली साउथ अफ्रीका के द्वारा क्या किया गया, उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में खींच कर ले गया, ये बोलकर कि ये जिनोसाइड कर रहे हैं, यानी कि नरसंहार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 25,000 से 30,000 के करीब लोगों की अब तक जान जा चुकी है ग्राउंड लेवल पर, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आ रही है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, ये दो कोर्ट हैं, एक को 1946 में बनाया गया था, दूसरे को 2002 में बनाया गया था, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूएन के साथ में रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो ऑफिशियल कोर्ट है जिसको वर्ल्ड कोर्ट भी बोलते हैं, पर लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक इंडिपेंडेंट कोर्ट की कैटेगरी में आता है। दोनों का हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है, याद रखेगा। दोनों का जो यहां पर देखने को मिलेगा, जो टाइप ऑफ केसेस होते हैं यहां पर, ये बिटवीन पार्टीज होते हैं, वो नॉर्मली देखने को मिलते हैं, पर लेकिन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो इंडिविजुअल किसी का हो तो वो इस कोर्ट के अंदर में जाएगा, ठीक है। यूएन के द्वारा फंडेड होता है, यहां से अलग अलग एरिया से फंडिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। इसमें सब्जेक्ट जो रहेगा ये मैटर रहता है कि सोवरेनिटी टाइप के कोई केस होते हैं, ठीक है, मैरी टाइम डिस्प्यूट के कोई केस होते हैं, या नेचुरल रिसोर्सेज के कोई केस होते हैं वो यहां पर आते हैं, जिनोसाइड क्राइम, वो सारे केसेस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जाए तो इसके बारे में लेकर कंफ्यूजन आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। दोनों के दोनों कोर्ट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल को बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये इंटरनेशनल लेवल की सारी न्यूज थी यहां पर। ओके दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी की न्यूज देखेंगे, हालांकि इकोनॉमी कोई ऐसा इंडिपेंडेंट सेक्शन होता नहीं है, बहुत सारी न्यूज जो होती है दूसरे सेक्शन में चली जाती है जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन इकोनॉमी के साथ में भी होता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर कुछ न्यूज है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन जिसके अंदर में पता है कितने मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर में, टोटल 27 मेंबर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ब्रिटेन बाहर निकल गया था, 28 थे तो अब 27 रह गए हैं। ईएक्स की जो पर्टिकुलर इकोनॉमी है वो बैड वे में बोली जा रही है, यानी कि पॉलिसी मेकर जो है वो कह रहे हैं कि यूरो जोन जो है वो सिस्टमेटिक वे में काम नहीं कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के अंदर में एक करेंसी है जिसको बोलते हैं यूरो, यूरो को फॉलो करने वाली कंट्री यूरो जोन, इसलिए ऑल यूरोपियन जो मेंबर हैं वो यहां पर इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी जो यूनियन है जिसको ईएमयू बोलते हैं उसके पार्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि यहां पर मिलकर काम करते हैं। अगर कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है यूरोपियन यूनियन के लिए तो मिलजुल कर वो एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। जनवरी 2023 में यूरो जोन के अंदर में टोटल मिलाकर 20 कंट्री हैं। ये क्या कह रहे हो सर, अभी तो बोला आपने 27 कंट्री हैं। जी हां, 27 मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के, पर लेकिन यहां पर आज की डेट में जो यूरो जोन है उसके अंदर में कई सारे देश ऐसे हैं जो कि उसकी करेंसी को नहीं मानते हैं, बेसिकली अपनी खुद की करेंसी फॉलो करते हैं, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ये बेसिकली इसके क्रोशिया, साइप्रस, इसी के साथ में इस्टोनिया, फ्रांस, ये फिनलैंड, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, इसी के साथ में लिथुआनिया, लुथानिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, तो ये सारे देश आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि यूरो जोन के अंदर में आते हैं। पावरफुल कंट्री कौन से, यहां पर फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, फिनलैंड हो गया, ये वाले देश जो है कहीं ना कहीं इटली भी आप लोग काउंट कर सकते हो, ये काफी स्पेन बोल सकते हो, नीदरलैंड बोल सकते हो, ये काफी पावरफुल कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रिया भी है जिसके बेसिस पर यहां पर ये चलता हुआ नजर आता है। तो इसलिए याद रखना यूरोपियन यूनियन के तो मेंबर हैं यहां पर बेसिकली 27, पर लेकिन यूरो जेन में 20 मेंबर हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये इंटरनेशनल लेवल की भी न्यूज आप लोग वैसे इसको बोल सकते हो, पर इकोनॉमी में काउंट किया क्योंकि इकोनॉमी के बारे में बातें यहां पर की जा रही है। तो यहां पर जो मेंबर हैं वो यूरो कहते हैं, बेसिकली यूरो जोन और यूरो इस्तेमाल करते हैं। ये एक सिंबल आता है जिसको बोलते हैं पाउंड, और ये सिंबल है जिसको बोलते हैं यूरो, अपनी है करेंसी ये बोलते हैं रूपी, और ये आप लोगों को देखने को मिलता है डॉलर। तो इसको लेकर आप लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई बार सिंबल भी हल्का सा लिखकर छोड़ देते हैं तो अगर आप लोगों को याद रहेगा तो कंफ्यूजन माइंड में नहीं होगा, इसलिए बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखना। ओके, इंटरेस्टिंग है यहां पर ये बात की जा रही है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको केवीआईसी बोलते हो। केवीआईसी ने साइन किया भी एक पैक्ट ताकि क्वालिटी को इनहेंस किया जा सके, खासकर खादी के प्रोडक्ट को। अगर खादी के प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी, सोच के देखो हमारे देश के अंदर में जितने भी कपड़े के ब्रांड हैं, अगर वो सारे के सारे मिलकर खादी के साथ में काम करने लगे तो कितने लार्ज स्केल पर हमारे देश के अंदर में वो किसान जो कि कॉटन अपने खेतों में उगाते हैं उनको कितना अच्छा खासा उनको रिवेन्यू जनरेट होता हुआ नजर आएगा। तो इसका पूरा काम करने वाली एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसको बोलते हैं केवीआईसी, और केवीआईसी से पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये कई तरीके की ऐसी बॉडी है, जैसे कॉफी बोर्ड के बारे में, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे आते हैं। केवीआईसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट इनके पार्लियामेंट में पास कर बनाया गया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 उसके बेस पर बनाया गया। ये यहां पर प्लानिंग करती है, प्रमोट करती है, ऑर्गेनाइज कराती है कैसे कैसे चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो उसके लिए यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंडर में काम करती हुई नजर आती है। केवीआईसी की कई सारी स्कीमें जैसे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी जनरेशन प्रोग्राम, मार्केट प्रमोशन डेवलपमेंट असिस्टेंस, इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, इसी के साथ में वर्क स्कीम फॉर द खादी आर्टिशन के लिए भी काम करते हैं। खादी इंडस्ट्री जो है वो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करती है, खादी रिफॉर्म और डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बनाती है, खादी जो है फंड रीजनरेशन का काम करती है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के लिए, और हनी यानी कि शहद के फील्ड में काम करने वाले किसानों को भी सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। यानी कि नाम में ही लिखा हुआ है खादी एंड विलेज, तो विलेज के अंदर में जो भी इंडस्ट्री होगी वहां पर केवीआईसी काम करती हुई नजर आएगी, ये बात आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बॉडी है, खासकर रूरल इंडिया की इकोनॉमी बढ़ाने का काम करती है, ये आप लोग याद रखना। रियलिटी में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कई सारी बातें बताऊंगा। बात की जा रही है आरईसी लिमिटेड के बारे में। आरईसी लिमिटेड क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। हमारे देश के अंदर में ये पावर के बेसिकली काम करती है गांव वाले एरिया में, किस तरीके से बिजली पहुंचा सकते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में देखने को मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में, जो कि पावर प्रोजेक्ट अक्रॉस द इंडिया रूरल इंडिया में लाने का खासकर काम करती है। अभी इसके द्वारा क्या किया गया, येन डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड जो है वो यहां पर लाने की बात की जा रही है, जो कि 61.1 बिलियन जापानीज करेंसी है येन, उसके डिनोमिनेशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है पहले आप लोग ये समझिए, जब यहां पर येन डिनोमिनेशन के यहां पर बॉन्ड लाए जाते हैं
और वो भी यहां पर ग्रीन बॉन्ड की बात की जा रही है, यानी कि येन का इस्तेमाल कर हमारे देश के अंदर में प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा पैसा, तो येन इकट्ठी की जाएगी यहां पर और फिर उसको हमारे देश के अंदर में ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए लगाया जाएगा जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचाए ऐसी चीजों के लिए यहां पर काम किया जाएगा। तो येन जो ग्रीन बॉन्ड है ये इशू किए जाएंगे इंडियन पीएसयू के द्वारा एनी, जिसके चलते यहां पर अगर कोई जापान की कंपनी हमारे देश के अंदर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहती है तो 10 ईयर का बॉन्ड इशू किया जाएगा जिसमें यहां पर 1.76, 1.79 और 2 रेस्पेक्टिवली यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 5 ईयर के लिए। इसके चलते लार्जेस्ट यूरो येन ये आप लोगों को देखने को मिलेगा साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में, और लार्जेस्ट येन डोमिनेटेड इशू देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर में। तो इससे हमारे देश के अंदर में प्रॉब्लम क्या रहती है, हमारे देश के अंदर में रुपी की प्रॉब्लम रहती है, रुपी मतलब हमारे देश के अंदर में किसी इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम रहती है। तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आएगा वो भी ग्रीन फील्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो काफी अच्छे लेवल पर हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करा पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जापान हमारे देश में अपनी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग उसका रास्ता खोल रहे हैं, तो उसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में है। दिल्ली मेट्रो जो आज की डेट में चलती है जापान की, बहुत बड़ा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जापान ह्यूज इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया के अंदर में, इवन नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट के लिए भी जापान का काफी अच्छा खासा पैसा आप लोगों को लगा हुआ नजर आता है। तो जापान हमारा वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड आप लोग बोल सकते हो जब आप लोग ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हो तो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है ये एग्रीकल्चर की भी न्यूज आप लोग बोल सकते हो कि इंडिया ने होस्ट किया ग्लोबल मीट यहां पर पल्सिस के बारे में, तो इसको होस्ट किया जाता है इंडिया के द्वारा, तो यहां पर इंडिया होस्ट कर रहा है, मतलब किया नहीं जाता है, इंडिया होस्ट कर रहा है आफ्टर 18 ईयर, तो इसलिए क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। पल्सिस इन इंडिया मेजर सोर्स है प्रोटीन का डाइट का, पल्सिस जो है 20 से 25% आप लोगों को प्रोटीन रखती हुई नजर आती है। फैट्स एंड फिगर के बारे में बात करें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो काफी अच्छा खासा है, यानी कि इकाई ढाई सैकड़ा हजार हजार लाख 4 लाख एक तरीके से मीट्रिक टन के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि लगभग 3000 करोड़ का फंड यहां पर प्रोवाइड कराता है। सबसे ज्यादा कहां पर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, चाइना, यूएसए, नेपाल, कनाडा, ईरान, तो ये वो देश हैं जहां पर हम लोग अपनी पल्सिस यानी कि दालें वगैरह जो है वो हम लोग एक्सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। उगाया कहां पर जाता है सबसे ज्यादा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये हैं, और फिर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक या फिर तमिलनाडु, हालांकि छोटा थोड़ा सारी जगह होता है पर लेकिन ये टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारे देश के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब पल्सिस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों से यहां से बन सकता है क्योंकि काफी समय बाद हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। ओके दोस्तों, यहां पर हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड न्यूज, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी तो एक एक कर यहां पर देखेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि अभी आप लोगों के जो नेक्स्ट न्यूज है उसके बारे में मैं बात करूंगा अच्छे से। ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये बात की जा रही है किसके बारे में, ये है नेरोरा वैली के बारे में और यहां पर रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में बात की जा रही है। इससे पहले यहां पर बंगाल के अंदर में जो बक्सा फॉरेस्ट है वहां पर नॉर्मली टाइगर को कैप्चर किया जाता था, अभी यहां पर नेरोरा वैली के अंदर में भी आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर में जो यहां पर कलिंगपोंग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आप लोगों को नजर आता है। ये रिचेस्ट बायोलॉजिकल जोन भी है और ये सिक्किम और भूटान के साथ में कनेक्टेड भी आप लोगों को नजर आता है, ये जो पर्टिकुलर रीजन है, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री भी आप लोगों को देखने को मिलती है और इसका हाईएस्ट जो पास है वो है यहां पर बेसिकली रचेला पास। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कहां पर लोकेटेड है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर इसके बारे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेसिक है और इंपॉर्टेंट भी है। अभी एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क न्यूज में आया जिसका नाम है मुकुरुति नेशनल पार्क। आखिर न्यूज में क्यों आया, तमिलनाडु का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने इन्वेस्टिगेट किया, प्राइवेट हेलीकॉप्टर अनऑथराइज्ड फ्लाई ओवर किया मुकुरुति नेशनल पार्क के ऊपर में। तो यहां पर प्राइवेट एक तो हेलीकॉप्टर है, दूसरा बिना ऑथराइजेशन यहां पर इसके ऊपर में उड़ता हुआ नजर आया, तो पता तो होना चाहिए कि कौन है, कहां से आ गया और कैसे कंडीशन है। तो मुकुरुति नेशनल पार्क के बारे में याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि तमिलनाडु के अंदर में वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में आता है। ये जो पार्क है ये क्रिएट किया गया कीस्टोन स्पीसीजेस के अंदर में नीलगिरी थार जो कि आप लोगों को हिरन टाइप का नजर आता है, और इसके अंदर में जो पीक है उसको यहां पर मुकुरुति पीक के नाम से जानते हैं जो कि हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स के अंदर में, और टोडाज जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो भी यहीं पर ही पाई जाती है। देखो जब भी कोई रीजन न्यूज में आता है ना, कोई नेशनल पार्क हो या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से हो सकता है उसके बारे में ना पूछें, उसके हाईएस्ट पीक के बारे में, उसके ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में या उसका इंटरनेशनल स्टेटस आप लोगों से पूछ ले, तो इसलिए बेसिक और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। जब तक ये आप लोगों की कंफर्म नहीं होगी तब तक ये समझो कि आप लोगों का पूरा क्वेश्चन जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये रटने नहीं है, रिविजन कर लोगे अगर वीडियो को एक बार और तो लंबे समय तक इनको याद रख पाओगे। ओके,
मध्य प्रदेश के अंदर में यहां पर बेसिकली ये बात की जा रही है एक पेंगोलिन प्रोजेक्ट के बारे में, और ये स्टार्ट किया गया था 2019 में, तो बोला जा रहा है कि ये सक्सीड हो रहा है बेसिकली सतपुरा टाइगर रिजर्व के अंदर में, और जो यहां पर पेंच टाइगर रिजर्व है उसके अंदर में, तो ये एनालिसिस किया गया था स्टार्ट। ठीक है, अगर बात करें टोटल मिलाकर 9 पेंगोलिन की प्रजातियां होती हैं, जिसमें से हमारे देश के अंदर में 2 पर्टिकुलर प्रजातियां पाई जाती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पेंगोलिन को चाइना के अंदर में काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि इसको खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और कई बार तो यहां पर इनसे कई सारी मेडिसिनल एक्टिविटीज भी देखने को मिलती है। तो चाइनीज पेंगोलिन जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, इसलिए इंडियन पेंगोलिन इंडेंजर्ड है क्योंकि हम लोग इनको खाते पीते नहीं, चाइना में इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में डाल दिया गया, क्योंकि एडिशनली जो इनका काफी ज्यादा पोचिंग की जाती है वो ट्रेडिशनल एशियन मेडिसिन के अंदर में इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसके लिए ये न्यूज में आते हैं। तो पूछे यहां पर कि पेंगोलिन के बारे में प्रोजेक्ट कहां पर कैसे कैसे देखने को मिला, तो ये डायरेक्ट अगर स्टेट के बारे में बात करें तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसके बारे में एक मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि एक ऐसी न्यूज है जो मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस की, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका काफी ज्यादा न्यूज में था क्योंकि उसके अंदर में जो देश आते हैं मैंने कई बार आप लोगों को बताया, जैसे इथोपिया हो गया, एरिटेरा हो गया, ठीक है, जिबूती हो गया, तो ये मैंने आप लोगों को कई बार यहां पर बताया। अभी यहां पर आप लोगों को बताना है टोटल कौन कौन से कंट्री आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर में, क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वो यहां पर अलग रीजन की वजह से न्यूज में है, तो इसलिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जिससे कि आप लोग यहां पर इसका आंसर दे सके, और यहां पर अगर क्वेश्चन कल को बने तो आप लोगों को कंफ्यूजन भी यहां पर इसके बारे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह बताना है कि कंट्री कौन कौन से हैं, तो याद रखना इसके लिए इसमें आप लोगों को एरिटेरा, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, ये टोटल मिलाकर 4 कंट्री देखने को मिलती है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कैटेगरी में आप लोगों को नॉर्मली नजर आती है। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, इनके साथ में मिली हुई कंट्री के नाम भी पूछ ले आते हैं, जैसे सूडान, युगांडा, इसी के साथ में कीनिया, तंजानिया, तो ये कंट्री के बारे में भी आप लोग हल्का सा याद रख सकते हैं। अभी यहां पर एक पर्टिकुलर चीता पाया जाता है जिसको अफ्रीकन चीता बोलते हैं, उसको इंडेंजर्ड कैटेगरी के स्टेटस के बारे में बात की जा रही है, अब तक वो वनरेबल था, उसकी कंडीशन और खराब हो गई है, तो बोल रहे हैं कि उसको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाल दो, तो इसकी वजह से यहां पर ये जो एक्सपर्ट हैं IUCN के, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि जो नेचर को कंजर्व करने का यूनियन है, उसके बारे में बात की जा रही है। ये ओल्डेस्ट बिग कैट स्पीसीज है जो कि आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है, लगभग माना जाता है कि 8.5 मिलियन ईयर पुरानी स्पीसीज है ये धरती के ऊपर में। ठीक है, नंबर ऑफ चीता इंडिविजुअली जो ग्लोबली अभी बचे हुए हैं वो लगभग 7,500 के करीब आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अभी ये वनरेबल कैटेगरी में है, कई जगह एशियाटिक जो चीता है वो तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, हमारे देश में से चीता जो है वो बिल्कुल विलुप्त हो ही गए थे, हम लोगों ने अभी 2 देशों से मंगाए, उनके नाम कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस देश से हम लोगों ने अभी चीता को मंगाया, तो अभी यहां पर ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो इसलिए इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसकी वजह से यहां पर ये बार बार न्यूज में देखने को मिलते हैं। ओके, तो याद रखना बेसिक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है क्योंकि इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा घटती जा रही है, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है, तो यहां पर कैसे इनको सेव कर सकते हैं, यहां पर कई बार ये कोर्ट में भी मैटर जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में भी, और इसके ऊपर में कोर्ट के डिसीजन भी आ चुके हैं, तो याद रखिएगा स्टेट बर्ड है राजस्थान की, और यहां पर फ्लैग एक तरीके से जो पाई जाती है नॉर्मली, ये फ्लैग सिर्फ ग्रास लैंड स्पीसीज है, इनके नॉर्मली ग्रास लैंड वाले एरिया में पाई जाती है, लगभग 3.5 फीट तक इसकी हाइट हो सकती है और 18 किलोग्राम तक इसके अंदर में आप लोगों को वेट देखने को मिल सकता है। ये ग्रास वाले एरिया में पाई जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इसमें नॉर्मली देखने को मिलती है, मैक्सिमम संख्या इसकी राजस्थान और गुजरात में आ जाती है, इधर उधर तो इक्का दुक्का देखने को मिलता है। IUCN में इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया क्योंकि उंगलियों पर आप लोग गिन सकते हो इतने हैं, नॉर्मली माना जाता है कि 150 के करीब इनकी पक्षियों की संख्या बची हुई है। ठीक है, इसके अंदर में अपेंडिक्स 1 में रखा गया CITS के अंदर में, और माइग्रेटरी स्पीसीज के अंदर में भी इसको अपेंडिक्स 1 में और शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में, यानी कि इसको सेव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर इसको सेव नहीं किया गया तो इनकी संख्या आप लोगों को खत्म होती नजर आएगी, ये बातें बोलने की कोशिश की जाती है, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा फोकस इसके ऊपर में आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा, और ये न्यूज में अक्सर बना रहता है, और अगर राजस्थान से आप लोग आते हैं तो आप लोगों के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं। दोस्तों आप लोग अगर एनडीए CDS या फिर डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं और UPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंकिंग के अंदर भी, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे टाइप एग्जाम में डिफेंस के बारे में, और इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर भी यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो पर्टिकुलर न्यूज है काफी ज्यादा न्यूज में था यहां पर जब बात करे थे KH-22 मिसाइल के बारे में, सोवियत एरा के टाइम पर लॉन्ग रेंज ये एक मिसाइल थी, सुपरसोनिक मिसाइल, जो कि यहां पर डिजाइन की गई थी ताकि यहां पर डिस्ट्रॉय किया जा सके एयरक्राफ्ट कैरियर को,
और यहां पर डेवलप किया गया था यूएसएसआर के द्वारा 1960s में। वेट लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा 5820 किलोग्राम। और यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद में यहां पर क्वाइट फ्यू जो टर्म है वो रिमेन रह गई किसके साथ में, यूक्रेन के साथ में। तो यहां पर ये रिसेंटली अभी यहां पर न्यूज में थी, यूक्रेन ने ट्रांसफर की यहां पर 386 KH मिसाइल टू द रसिया बाद में चलकर। तो यहां पर अभी उसके चलते ये न्यूज में था रसिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से। तो लॉन्च की गई क्रूज मिसाइल यहां पर ये बोला गया, इसके चलते यहां पर ये न्यूज में आ गया था, तो याद रखना ठीक है। इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की ये डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिली राजस्थान के अंदर में। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है किस किस के बीच में, तो इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में है। एक दूसरे से लर्निंग कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक दूसरे के साथ में काम कर सकते हैं, तो उसके लिए है ये एक्सरसाइज, इसके बारे में पता होना चाहिए ठीक है। डीआरडीओ की न्यूज है यहां पर, जिसका नाम है यहां पर उग्राम। उग्राम क्या है, ये इंडिजिनसली एक असोल्ट राइफल है जो कि डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई है लगभग 100 डेज के अंदर में, और 500 मीटर तक वार करने वाली ये जो पर्टिकुलर ये गन है ये लेस देन 4 किलोग्राम की है, एक टाइम में 20 ये राउंड फायर कर सकती है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ऑटोमेटिक मोड में भी यहां पर ये काम कर सकती है, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी है कितनी चौड़ी कितनी लंबी कितनी ऊंची, तो अगर आप लोगों को डिजाइन करनी हो तो देख लेना, हालांकि आप लोगों को डिजाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी डीआरडीओ ने काम कर दिया है। तो उग्राम के, अगर उग्राम के बारे में डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा ठीक है। इंडियन नेवी की बेसिकली P-8I एयरक्राफ्ट ने ज्वाइन किया भी एक्सरसाइज, जिसका नाम है एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जहां पर इंटरनेशनल लेवल की कई सारी जो नेवी है वो मिलकर काम करती है, जिसमें यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया और इंडिया पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं। फ्रेंडली नेशन इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में कैसे शांति बनाकर रख सकते हैं उसमें इनके द्वारा काम किया जाता है, इसलिए ये एक्सरसाइज काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन के बारे में अगर पूछे तो ये ओनली हमारे लिए नहीं है, यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, सब मिलकर काम कर रहे हैं। और कहां पर देखने को मिली यहां पर, ये है ग्वाम आइलैंड ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि जो ग्वाम एरिया है ये आप लोगों को कहां पर देखने को मिलता है, तो इसके बारे में भी आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो कई बार आप लोगों से यहां पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को बेसिकली मैप में जाकर एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे आते हैं और ये वही लोकेशन होती है जो कई बार न्यूज में भी आप लोगों को देखने को मिलती है ठीक है। तो इसलिए एक बार जाकर जरूर देखेगा, क्योंकि ये वो एरिया है जिसमें कई बार यहां पर, मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया है उसकी वजह से ये न्यूज में रहता था ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि इसको जाकर एक बार आप लोग मैप में देखेगा, तो जिससे आप लोग यहां पर इसको समझ पाएंगे कि बेसिकली इसका मतलब क्या है, तो किसकी टेरिटरी है यहां पर, ये आप लोगों में चारों एक बार आप लोग इसको जाकर जरूर देखो ठीक है। क्योंकि आप लोग इसको देखोगे तो आप लोग और भी बैकग्राउंड में कई सारी इंफॉर्मेशन समझोगे, तो इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर में नजर जरूर डालना, ये होमवर्क के तौर पर आप लोग ले सकते हो ठीक है। देखना आप लोग जापान के आसपास में नजर आएगा कहीं को ठीक है ना, तो इसलिए देखना जरूर एक बार। नेक्स्ट बात की जा रही है न्यू जनरेशन आकाश, जिसका नाम है एनजी मिसाइल ठीक है। तो ये नाग एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलती है जो मिसाइल की कैटेगरी में है, न्यू जनरेशन सॉरी ठीक है। तो ये एक तरीके की न्यू जनरेशन है यहां पर आकाश मिसाइल, आकाश मिसाइल जो आप लोगों को देखने को मिलती है, इनको टेस्ट किया गया अभी उड़ीसा कोस्ट के पास में। सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। डीआरडीओ की मिसाइल है यहां पर, और इसी के साथ में प्रोड्यूस की गई है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा। यहां पर आकाश और आकाश ये सीरीज में आप लोगों को नेक्स्ट मिसाइल देखने को मिलेगी, जिसके सामने एनजी लिखा हुआ, तो इसका मतलब है नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल ठीक है। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ऐसे ही एक अस्त्र मिसाइल है यहां पर, यूनियन जो मिनिस्टर है उनके द्वारा अभी यहां पर अस्त्र मिसाइल को यहां पर इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई करने की बात की गई। ये बियॉन्ड द विजुअल रेंज मार करने वाली मिसाइल है, एयर टू एयर, यानी कि जहां तक न दिखे वहां तक मार करेगी। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया, भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ मिलकर और एयरफोर्स के लिए यहां पर ये मिसाइल बनाएगी, जिसको वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया सकते हैं। अस्त्र का मतलब होता है संस्कृत भाषा में अस्त्र। 70 किलोमीटर तक वार करने वाली है, स्पीड 5555 तो किलोमीटर पर आर के हिसाब से यहां पर ये काम कर सकती है, तो बेस्ट बेस्ट वेपन है हमारे लिए ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंडिया और थाईलैंड की नेवी के द्वारा, ये बात की जा रही है अयोध्या। अयोध्या एक बायलेटरल एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसका कनेक्शन माना जा रहा है अयोध्या के साथ में। क्या है, इंडिया और थाईलैंड की बायलेटरल एक्सरसाइज है यहां पर एक्सरसाइज अयोध्या, जिसका लिटरली ट्रांसलेशन है यहां पर एक तरीके से इनविंसिबल वन, जिसको डिफीट नहीं किया जा सके। तो ये एक्सरसाइज है यहां पर, पुराने टाइम पर अगर आप लोग कनेक्शन देखोगे तो यहां पर काफी अच्छे कनेक्शन माने जाते हैं। हिस्टोरिकली अयोध्या थाईलैंड जो है ये फाउंड किया गया था ये 1350 ईसी में, जिसको नेम आफ्टर दिया गया था अयोध्या सिटी के नाम पर, जो कि श्री राम जी की एक तरीके से कैपिटल सिटी थी, तो उसके नाम पर माना जाता है कि इसका नाम पड़ा। और वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी है एट द टाइम ऑफ, जब यहां पर अयोध्या के बारे में बात करें पुराने टाइम पर, तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर इनसे कनेक्शन यहां पर देखा जाता है।
2015 में एक्सरसाइज स्टार्ट की गई यहां पर, जो कि 2000 अदर एक्सरसाइज अगर बात करें इंडिया और थाईलैंड के बीच में, एक्सरसाइज कोबरा गोल्ड, ठीक है, इसी के साथ में एक्सरसाइज मैत्री शक्ति और एक्सरसाइज यहां पर SIEM भारत। तो ये कई सारी एक्सरसाइज है जो कि मिलकर हम लोग एक दूसरे के साथ में आर्मी, एयरफोर्स और अलग अलग एरिया में हम लोग काम करते हैं। तो डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूज आना नहीं है, ठीक है। एक मिसाइल है जिसका नाम है पिनाका, ये कई बार न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलती है। साउथ अमेरिका नेशनल के द्वारा इंटरेस्ट दिखाया गया इस मिसाइल को लेने में, 200 किलोमीटर तक वार करने वाली है तो इसलिए न्यूज में आ गई है। सोचो कल को चलकर रसिया और यूएसए के अलावा अगर हमसे सब मिसाइल खरीदना स्टार्ट करें तो कैसा रहेगा, तो हमारे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो डिजाइन की गई है हमारे देश के अंदर में जो आर्मर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है उसके द्वारा, ये फर्स्ट टाइम यूज की गई थी कारगिल वॉर में, जब इसकी रेंज 60 से 75 थी, पर फिलहाल की समय में बढ़कर 200 किलोमीटर इसकी हो गई है रेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू, और टाटा ट्रक मोबिलिटी पर भी इसको सेट कर आसानी से लॉन्च किया जा सकता है, तो इसलिए ये न्यूज में थी, ठीक है। इंडिया और यहां पर इसी के साथ में किर्गिस्तान के साथ मिलकर एक एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज खंजर, ये 2011 में स्टार्ट की गई थी और प्रेजेंट टाइम पर ये काफी इंपोर्टेंट है दोनों कंट्री के बीच में, तो 11th एडिशन इसका देखने को मिल रहा था, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और एक्सरसाइज काफी इंपोर्टेंट, एक्सरसाइज साइक्लोन, एक्सरसाइज साइक्लोन का सेकंड वर्जन आप लोगों को यहां पर देखने को मिला, ये इंडिया के साथ में मिलकर देखने को मिलती है इजिप्ट के साथ में, जो कि हमारे देश के अंदर में ये स्टार्ट की जाती है। फर्स्ट एडिशन इसका अभी रिसेंटली देखने को मिला था, अभी दूसरा एडिशन है, यानी कि नई नई ताजी ताजी स्टार्ट की गई है इजिप्ट के साथ में, और इजिप्ट के साथ में हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं फिलहाल के टाइम पर, तो इसलिए क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ रहे तो कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर इसके बारे में नहीं रखना है। सऊदी अरेबिया के साथ में एक एक्सरसाइज काफी ज्यादा न्यूज में थी, एक्सरसाइज साडा तंसीक, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है किसके साथ में है, तो ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है सऊदी अरेबिया के साथ में, जो कि रिसेंटली हमारे देश में देखने को मिल रही थी, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो अगर आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही बेसिक से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आप लोगों को यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में देखने को मिलेगी, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हमारे देश की इसरो है, उसने सक्सेसफुली लॉन्च किया PSLV जो यहां पर इस्तेमाल करके C-58, जिसको एक्सपोसैट का नाम यहां पर दिया गया, एक्स रे पोलरोमीटर, ये सैटेलाइट इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू, ड्यूरेशन 5 साल है, लो अर्थ ऑर्बिट में काम करने वाला है, 2 पेलोड लेकर गया जिसको पोलिक्स यानी के पोलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट एक्सरेज बोला गया, इसी के साथ में SPEX यानी के एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी टाइमिंग का नाम दिया गया, ये यहां पर लॉन्च किया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, खासकर ये ऑब्जर्व करेगा, स्टडी करेगा एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस के थ्रू यहां पर, ये नियर अर्थ के पास में क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में यहां पर ये काम कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग यहां पर इसके बारे में समझ सकते हैं। हमारे देश के अंदर में 4,797 करोड़ रुपए पृथ्वी स्कीम के लिए यहां पर अभी अर्थ साइंस रिसर्च के लिए अभी हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने दिए, तो इसकी वजह से यहां पर न्यूज में आ गया था। ये पृथ्वी जो स्कीम है इसके तहत हम लोग एटमोस्फेयर क्लाइमेटिक रिसर्च के बारे में बात करेंगे, ओशन के ऊपर में स्टडी करेंगे, पोलर साइंस यहां पर डिस्कस करेंगे, अर्थ के अंदर में जो भूकंप वगैरह आते हैं उसकी स्टडी करेंगे, और यहां पर एजुकेशनल और ट्रेनिंग पर्पज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस की स्कीम है 2021 से लेकर 2026 तक, ये यहां पर इसके अंदर में 4,797 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, तो इसकी वजह से ये स्कीम जो थी वो फिर से न्यूज में थी, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे तो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। जापान का एक मिशन जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, जिसका नाम था स्लिम, यानी कि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ये यहां पर नाम रखा गया, और ये लॉन्च किया गया यहां पर मित्सुबिशी हैवी जो H2 रॉकेट है उससे यहां पर, और यहां पर ये जापान का जो आइलैंड है जिसका नाम है यहां पर तंगेसीमा, ठीक है, तो उससे यहां पर इसको लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जापान यहां पर 5वीं कंट्री बन गया है, इससे पहले इंडिया ऑलरेडी अपनी एस्टेब्लिशमेंट कर चुके हैं। अब बेसिक बात क्या है कि यहां पर ये जाकर वहां पर अपने पंख जो है वो ढंग से यूज नहीं कर पाया, खोल नहीं पाया, जिससे माना जा रहा है कि सोलर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जापान तो सक्सेस बोल रहा है इस मिशन को, पर कई सारे लोग इसको फेलियर बता रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि आखिर रिजल्ट क्या निकल कर आता है, पर ये गर्व की बात नहीं है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च नहीं कर पा रही है मिशन, और हमारी इसरो वहां पर झंडे गाड़ कर बैठी है कब की, तो आप लोगों को इसरो के लिए और इज्जत बढ़ जाती है जब कोई ऐसी न्यूज सामने निकल कर आती है कि नहीं, तो सैल्यूट है हमारी इसरो को दिल से। अभी कल्चर और हिस्ट्री का एक न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश के अंदर में जो बंगला है बेसिकली उसको क्लासिकल स्टेटस देने की बात की गई ममता बनर्जी जी के द्वारा, कि क्लासिकल स्टेटस का दर्जा इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को दिया जाए। करेंटली हमारे देश के अंदर में तमिलनाडु, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ये टोटल मिलाकर 6 लैंग्वेज है जिनके पास में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा है। तो अभी यहां पर इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को जो बंगला है
उसको भी क्लासिकल लैंग्वेज के दर्जे के बारे में बात की जा रही है, जिसकी वजह से ये न्यूज में आ गए। तो इसके बारे में याद रखिएगा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलने से पर्टिकुलर लैंग्वेज को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाती है, तो इसके लिए बार बार क्लासिकल लैंग्वेज के दर्जे की बात यहां पर की जाती है, तो इसलिए यहां पर ये न्यूज में था। तो टोटल मिलाकर 6 लैंग्वेज है क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में। याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये दर्जा दिया जाता है, और यहां पर ये लास्ट टाइम अभी जो दिया गया था वो दिया गया था उड़िया को 2014 के अंदर में। अभी देखो आगे चलकर किसी लैंग्वेज को मिलता है या फिर नहीं। लक्षद्वीप रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में रहा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा जो विजिट किया गया ये था बेसिकली कवरती। कवरती भी यहां पर फाउंडेशन रखा गया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, जिसकी वजह से इंडिया और मालदीव के बीच में भी यहां पर काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिली। तो ये कैपिटल है हमारे देश के लक्षद्वीप की, ये आप लोग याद रखिएगा। लक्षद्वीप एक आर्किपेलागो है, एक समूह है यहां पर, जो कि यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। लोकेटेड है बिटवीन बेसिकली अगाती आइलैंड, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में एंड्रोट आइलैंड आप लोगों को नजर आते हैं। आइलैंड जो है वो होम है लगभग 12 एल्टोस 5 समर्स, जो बेसिकली अलग अलग किनारे आप लोगों को देखने को मिलेगा कोरल रीफ। और यहां पर जो लैंग्वेज बोली जाती है मलयालम और महल, तो ये लैंग्वेज भी बोली जाती है। तो लक्षद्वीप जो है वो आप लोग को अरेबियन सी के अंदर में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। कोंगो रिवर रिसेंटली अभी न्यूज में थी, तो कोंगो रिवर को जायरा के नाम से भी जानते हैं। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर नाइल और 9th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड में। अटलांटिक ओशन के अंदर में ड्रेन होती है, और इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरी भी है, ये याद रखेगा। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए तो समझ सकते हैं। पनामा कैनाल मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, 22 मिलियन ईयर ओल्ड लॉस्ट फॉरेस्ट डिस्कवर किए गए पनामा कैनाल के पास में। ये वो कैनाल है जिसको यूएसए ने जद्दोजहद कर बनाया। पनामा एक ऐसी सिटी थी जो कि यहां पर एक तरीके से कोलंबिया के अंदर में बोल सकते हैं ये कंट्रोल किया करते थे। पहले उसको आजाद करवाया, और फिर आजाद करवाने के बाद में फिर यहां से कैनाल बनाई, ताकि इसका रास्ता जो है वो साफ हो सके। पहले जो रास्ता इसको लंबा कवर करना पड़ता था, उसको आसानी से कवर किया जा सके, इसके लिए इसने जद्दोजहद की, जिसकी वजह से कई बार न्यूज में भी आता था। ठीक है, तो ये बेसिक है जो कि आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। एक यहां पर बात की जा रही है कोचीन पोर्ट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहां पर देखने को मिले, तो विलिंगटन आइलैंड के बारे में याद रखिएगा, ये आप लोगों को देखने को मिलता है कोच्ची एरिया। ठीक है, तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कहां पर लोकेटेड है। तो ब्रिटिश वॉयसराय थे लॉर्ड विलिंगटन, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया, और ये 22nd वॉयसराय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आप लोगों को रहे यहां पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत आप लोग समझ सकते हैं इंट्रोड्यूस किया गया। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कॉम्युनल अवार्ड, ये सारी इन्हीं के टाइम पर आप लोगों को देखने को मिली। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आप लोगों से यहां पर बन सकता है कि यहां पर लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पर हिस्ट्री में क्या क्या देखने को मिला। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस याद रखेगा, कॉम्युनल अवार्ड जो दिया गया यहां पर, जिसके लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा ये मरणोपरांत एक तरीके से किया गया यहां पर कि अनशन करेंगे जब तक जान ना चले जाए, और फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी यहां पर देखने को मिली। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखेगा, हिस्ट्री के साथ साथ में एक ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन आप लोग का बन जाता है। ठीक है, तो ये था टोटल आज का इसका पर्टिकुलर जो टॉपिक का डिस्कशन, तो कोई डाउट इसके बारे में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करता हूं। लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, और अगर सीरियसली आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही प्यारे कोर्स है यहां पर, अगर आप लोग सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं। पर डेमो लेक्चर जरूर देखिएगा, उसके पहले कोर्स ज्वाइन मत कर लेना, अगर आप लोग सेटिस्फाई हो पाए उसके साथ में तभी आगे लेकर बढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी लवर के नाम से आप लोग एप्लीकेशन मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, तो उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूं, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने शानदार तरीके से इसको एंजॉय किया होगा। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, और अपनी जिंदगी का ख्याल रखो और एंजॉय करते रहो। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो। और लेक्चर कैसा लगा, कितना मार्क्स आप लोग इसको दोगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, 10 में से कितने नंबर दोगे, और इसको रिकॉल करने की कोशिश जरूर करना। पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, उसको जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। चलिए फिर, अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।